टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, कब कैसे हैं, ठीक ठाक हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपका वीकेंड बहुत अच्छा जा रहा होगा और ठीक 9 बजे आपने अपना पसंदीदा शो यानी कि द मजेदार शो लगा लिया होगा। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं। जब बात होती है मजे की तो बात होती है मेरे फनियर हाफ की। बहुत सारी तालियां आप लोग घर पर बैठ के बजाएंगे फॉर मिस्टर आदि अधीरम जैन। मुझे एक बात बताओ, ये ड्रमर की कोई वीडियो है तुम्हारे पास? मेरे ताया अबू हैं। ये तुम्हारी बारी में इतना क्यों बजाते हैं? ये मोहब्बत है, ये मोहब्बत मेरे बारे में नहीं बजाते, तुम्हारी बारे में क्यों बजाते हैं? आज के जो हमारे गेस्ट, ये मुझे याद है जब हमने पहली दफा लिस्ट बनाई थी तो उनका नाम लिखा था लेकिन हमारे पास कुछ पैसे कम थे, उसके बाद इनकी अवेलेबिलिटी का मसला। कुछ पैसे मतलब तकरीबन जितने इन्होंने मांगे थे उसमें से कोई 150 था हमारे पास तो हमने 2 साल जमा किए पैसे। 2 साल हमने कोशिश की कि जो अच्छा हो जाए फिर इनके लायक हो जाए फिर हम इनको बुलाएंगे, लेकिन ये इतने मसरूफ रहते हैं कि इनको इनका टाइम निकाल के आना बड़ा मुश्किल होता है। और बहुत ही कम ऐसे एक्टर्स होते हैं जो कि जितना अच्छा काम सीरियस करते हैं उतना ही अच्छा काम कॉमिक भी करते हैं। और तीसरी अच्छी बात यह है कि इतना अच्छा अच्छा काम करके वो उतने अच्छे इंसान भी हैं। हाँ, क्योंकि अक्सर लोगों का ये होता है कि लोग कहते हैं कि जी आप जब फेमस हो जाते हैं तो फिर आप शोहरत आपके दिमाग में चढ़ जाती है, हाँ। ऐसा वैसा, लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं हुआ। अक्सर लोग मशहूर होने के बाद नाड़े वाली शलवार नहीं पहनते। वाह, क्या बात, मशहूर हो गए तो बटन चाहिए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, ये गहरी रिसर्च सिर्फ आदि भाई के पास मौजूद है। और एक और इनकी अच्छी बात ये कि जितना अच्छा काम कैमरे के आगे करते हैं उतने अच्छा काम कैमरे के पीछे भी करते हैं। और कुछ ऐसे काम भी करते हैं जो अभी हमें नहीं बताया या लीक नहीं हुए लेकिन जब वो आएंगे तो पता चलेगा क्या काम है। बहुत जबरदस्त काम करते हैं, एक्टिंग इनको विरसे में मिली है। बहुत ही बड़े एक्टर थे हमारे, उनके ये साहबजादे भी हैं, बहुत ही जबरदस्त काम करते हैं। बहुत सारी तालियां आप लोग घर पर बैठ के बजाएंगे फॉर द वन एंड ओनली यासिन नवाज। अरे पकड़ो, क्या कर रहे हैं, अरे मुझे लगा 2 साल बाद भी हमसे इतना बजट जमा कर रहा है कि ये घूम के चले जाएं। परेशानी है ये हो रही है कि इतना ज्यादा जो हमारा बैंड बजा है इनका चेक लेट ना हो जाए। आइए यासिन भाई, प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए। मुझे लगा ऐसी सब ऐसी आ रहे हैं, मैं भी ऐसे जाऊंगा। हमारे बहुत कम गेस्ट हैं जो हमारी तरह आते हैं, कहाँ बैठना आपका जहाँ दिल चाहे। आपको डबल सोफा, डबल सोफा दिया, आप यूं लेट भी सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। कैसे यासिन भाई, आप ठीक ठाक हैं? मैं फर्स्ट क्लास। अभी हम ये बात तो फैजान लग रहा है। हाँ जी, आदि को टास्क दिया है कैसे हो जाओ। ये हमने मोटिवेशन के लिए रखा आदि, ये मैं बड़ा हो गया ऐसा बनूंगा। मतलब इससे बड़ा हो नहीं सकता है लेकिन ये कहने के बड़ा हो कैसा बनेगा। यासिन भाई कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? मैंने शुरू में कहा बहुत कम ऐसे लोग हैं जो सीरियस काम जितना अच्छा करते हैं उतना ही कॉमिक काम भी अच्छा करते हैं। हाँ, इत्तेफाक मैंने कॉमिक काम कम किया है, अच्छा पता नहीं। आपने कम नहीं, आपने जितना किया है वो बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छा काम किया हुआ आपने। मुझे अच्छे तरीके से याद है कि जब मैं हम लोग थिएटर कर रहे थे उस वक्त नादानियां एक सुपर हिट था और हम उसको देखते थे कि जुमले की अदायगी, बॉडी लैंग्वेज, क्योंकि दानिश भाई ऑलरेडी एक कॉमिक कैरेक्टर वो थे, एस्टैब्लिश थे, लेकिन आपने आके लोगों को कहा कि भाई हेलो हल्के हो जाओ, मैं भी हल्के हो जा रहा हूँ। सही है, वाह वाह। नहीं, मैंने असल में नादानिया तो खैर अच्छा हो गया, कैसे हुआ पता नहीं, मुझे खुद भी नहीं अंदाजा। हम थोड़ा करते थे वो शायद ज़्यादा अच्छा हो जाता था अल्लाह की तरफ से। तो मैंने खुद बहुत कम कॉमेडी की है, बाकी मैंने कम कॉमेडी की है। घर में फैमिली में बैठे हुए हैं, गेट टुगेदर, उसमें मस्ती मजाक चल रही होती है, वो शायद विटीनेस अंदर है, लेकिन स्क्रीन के सामने मैंने बहुत कम की है। बिल्कुल, तो पहली मरतबा शायद या दूसरी मरतबा की ये नादानी किया, वो अल्लाह ने पसंद करवा दिया, लोगों में हिट हो गया। तो ये हमारा आपका इरादा था ये करने का शुरू से? एक हमारे ये होता है ना कि जी जी एक्टर के बेटे हैं तो ये तो करना ही करना है। क्या ऐसा है, एक्टिंग या नादानियां? एक्टिंग ही करनी है मेरे पास, कुछ सीधा करने को किया। मुझसे जो छोटा भाई है डॉक्टर फराज जी, वो मेडिकल में आ गया,
उससे छोटा दानिश नवाज को आप देखते हैं, वो बेसिकली इंजीनियर है और इंजीनियरिंग पढ़ी है उसने, डिग्री ली हुई है उसने, तो वो उसमें आगे पढ़ने चला गया। अभी दो चार साल बाद, पाँच साल बाद वो डॉक्टर बनकर निकलेगा, वो इंजीनियर बनकर निकलेगा। यासर साहब जो बड़े भाई हैं वो वेले। तो ये प्रेशर कितना फील किया आपने? नहीं, प्रेशर तो बहुत फील किया मैंने। फिर अब्बा ने कहा जब कुछ नहीं करो तो एक्टिंग साइड पे आ जाओ। अब्बा ने ये तो नहीं कहा जो इतना प्रेशर फील करो थोड़ा रिलीज कराओ इसको। वही करो है ना, वही क्या अब्बा ने ये कहा तो अब्बा एक माशाल्लाह एस्टैब्लिश्ड एक्टर, इतने जबरदस्त पीटीवी दौर था, प्राइवेट से एसटीएन आया हुआ था जी, एनटीएम एसटीएन जो था उस जमाने में, तो कोई स्कोप नहीं था एक्टर्स का। खैर फिर मैं चलो मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं था करने को, तो ये किया है मैंने आके। नहीं लेकिन ये जाहिर सी बात है आपने कुछ नहीं था आपने कर लिया, ठीक है, लेकिन ये यहाँ मनवाना अपने आप को एक काम है और फिर मुसलसल अच्छा करते रहना भी ये काम है, सस्टेन करना। मैंने पहला तीन ऑडिशन दिए मैंने और तीनों में मैं फेल हुआ। तीन ऑडिशन, तीन डायरेक्टर्स थे, ये मैं पहले भी कह चुका हूँ बात, पहले मुझे फेल किया हैदर इमाम साहब ने, फिर एक डायरेक्टर और हैं ताहिर साहब जो रिटायर हो गए, वो भी उन्होंने फेल किया मुझे और बोल के कि तुम वीक कमज़ोर एक्टर हो तुम, क्योंकि कैमरा ऑन होता था तो मेरा हार्ट बीट बढ़ जाती थी, पसीना निकलना शुरू, मेरे अंदर टांगे कांप में टांग रही होती थी। तो मैंने फिर तीसरा डायरेक्टर पूछा कौन है, कौन आप सब पूछे कौन है, कौन है भाई, कौन है, इनको भी इन करें। हाँ जी जी बिल्कुल, काजिम पाशा साहब। अरे और मैं बाहर गया बच्चू ये मतला लूंगा, मुझे रिजेक्ट किया है ना, अब देखें आप। तो खैर मैं सच बताऊं तो मैं बहुत नर्वस होता था, ठीक है, कैमरा ऑन होते ही और पीटीवी का दहशत, फिर पीटीवी के सब बड़े बड़े डायरेक्टर्स। फिर मैंने अपने आप को समझाया यासर साहब ना तू डॉक्टर है ना तू इंजीनियर है, तो ये एक फील्ड मिली है तो अपने आप को कुछ सही कर ले। ये अच्छा मुझे पता था एक्टिंग क्या है, लेकिन मैं जब कैमरा ऑन होता था, लाइट ऑन होती थी कैमरा की, बस हार्ट बीट शुरू। उसका कैमरा भी माशाल्लाह इतने बड़े बड़े कैमरा होते थे, ऊपर से काजिम साहब की आवाज आवे एक्शन, मैं गया काम से ये एक्शन पे। तो खैर फिर अपने आप को समझाया कि भाई काम डाउन, आराम, रिलैक्स, कोई टेंशन नहीं है, जो सामने हैं, जो एक्टिंग दूसरे लोग कर रहे हैं मेरे सामने, जो बाकी लोग कर रहे हैं वो भी इंसान है, ठीक है, और हम भी इंसान हैं, तो आप अगर ठान लें किसी चीज़ की तो फिर आप कर ही लेते हैं, कर छोड़ते हैं। मुझे अच्छी बात ये लगी कि यासिर भाई ने ना सब कुछ सच सच और सादा सादा बताया। अक्सर ऐसा होता है जब हम इंटरव्यू करते हैं और ये वाला सवाल करते हैं तो कहते हैं जी मैं रात को मोमबत्ती के साए के तले बैठा हुआ था। अच्छा, और मैंने वहां से शुरू होता है, शीशे में देखा तो मेरी आहट ने मुझे कहा तुम कर सकते हो। तो ये मुझे अच्छा लगा कि आपने सच बात बताई। मेरा एक सवाल है आपसे बहुत सालों से, और ये सवाल मैं जब वहां खड़ा तभी दिल में था, ये सोच का है वो था। हां वो सवाल इसलिए था क्योंकि मैं इस बारे में जानना चाहता हूं, हमारी जो भाभी जान है वो माशाल्लाह बड़े सालों से एक मॉर्निंग शो कर रही है। मॉर्निंग शो का मसला ये है कि वो सुबह स्टार्ट होता है अपने वक्त पे क्योंकि वो लाइव है। क्या आपकी जिंदगी में वो वाला वक्त आप मिस नहीं करते कि जान एक कप चाय तो बना दो, क्योंकि भाभी तो घर पे होती नहीं है। वहाँ वो मिस तो नहीं करता, लेकिन अब निदान में दो तीन चीज खामियां ये है। अब समझे आप यासिर हैं, मैं निदा हूं, ठीक है, अब मुझसे आपकी बात करें, कोई किस्सा सुनाए, कोई किस्सा सुनाए। निदा देखो मसला ये है यार कि मैं जो हूं ना, कल मैंने काम किया उस मासी को, मैंने कह दिया था वो कपड़े तय करके फिर आप बात शुरू करें। देखो निदा तो मेरी बात समझिए, मैं प्रोडक्शन कर रहा हूँ, मैं वो शाम में जाऊंगी, पार्लर जाना है मुझे, उसके बाद शादी में जाऊँ, तो मैं कहता हूँ भाई तुम क्या, मैं शो ड्रैग कर रहा हूँ, मेरी बात तो पूरी सुन लो यार। उसको ऐसा लगता है कि शो ड्रैग हो रहा है, मैं तुम्हें किस्सा सुना रहा हूँ, कोई बात सुना रहा हूँ मैं, और तुम ऐसे काटती हो मैं शो ड्रैग हो जाएगा और बोरिंग हो जाए, रेटिंग नहीं आएगी यार, कौन सी रेटिंग यार। अच्छा ये वाला मसला, ये बड़ा मसला है, इतने अरसे से कर रही है कि वो उनमें एक इनबिल्ट हो गया है, इनबिल्ट हो गया, कि वो कहती मैं अपनी बात कर लूं पहले फिर आप करते रहे। तो इसको आप किसी तरह करते हैं कि कोशिश करते हैं कि भाई इसको खत्म, या आप कहते हैं यार हमने एडजस्ट कर लिया, ऐसे ही होगा? नहीं एडजस्ट तो कर लिया, लेकिन तो बहुत किस्सा आ रहा होता है जोर से तो फिर सुनाना होता है, उस पर जाके मेरी हटती है। मैं भाई मैं उल्लू का पट्टा कुछ बोल रहा हूँ, सुन लो पूरी बात। हाँ हाँ सॉरी 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 बता पूरे, फिर मैं और स्लो स्लो बताता हूँ, मैं कहा बेटा करो अब रेटिंग नहीं आएगी, अब मेरी पैदाइश रेटिंग नहीं आनी। अच्छा तो ये मुझे ये बताएं कि क्योंकि अब ये वाला मसले मसाइल अच्छा है। वो बात सॉरी चाय और खाने वाली बात, हाँ, हाँ। तो निदा अभी भी चाय खाना जब मेरा दिल चाहता है बोलता हूँ, मेरा दिल बहुत कम चाहता है वैसे, लेकिन जब दिल चाहता है मेरा तो मैं बोल देता हूँ तो इनकार नहीं होता। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस शो के बाद मेरी और आदि की हाजिरी ना हो जाए वहाँ पे, कि इधर आओ तुम लोगों ने क्या शो किया ये मेरे बारे में। अच्छा कभी ऐसा हुआ है क्योंकि आप पांच दिन होता है मेरे ख्याल से वो शो, तो कभी ऐसा हुआ आपने उठ के बोला होगा निदा आज मेरी खातिर ना जाओ ना? ओए 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 अब सीरियसली 13 साल हो गए शायद निदा को, माशाल्लाह। जिस दिन हफ्ता होता है मुझे, मैं भूल जाता इंसान का हफ्ता या इतवार है, मैं उठा दो निदा उठो शो में नहीं जाना क्या, कहते आज सैटरडे है, तो मुझे
अब मुझे वो जो सुबह का टाइम होता है ना, वो बेस्ट टाइम होता है जब निदा 11:30-12 बजे तक शो कर रही होती है, 1 बजे तक 11 में होती है, तो मैं उसको रिलैक्स कर रहा होता हूँ कि शूट ना हो तो हम आराम से उठते हैं, आराम से मोबाइल भी आ गया, टीवी भी देखा, तो कोई बोलने वाला नहीं होता, खाम खाम। जैसे कभी फीडबैक दिया उनको उनके शो के बारे में कि ये अच्छा कर रहे हैं, ये बुरा कर रहे हैं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए? बुरा फीडबैक ज्यादा दिया है मैंने, और वो मतलब तब भी जाते क्रिटिसाइज ज्यादा करते हैं, नाराज भी क्रिटिसाइज भी करता हूं, और वो कितना सीरियसली लेती हैं आपके क्रिटिक्स को? वो एक कान सुनते दूसरे कान से निकाल देते अगर सुन ले तो। अगर सुन ले तो नहीं, नहीं जो मैं मुंह पे बोलता हूँ क्रिटिसाइज करता हूँ अगर, तो वो एक कान सुनती है दूसरे कान से निकाल देती है वो ही तो। ले और आप माशाल्लाह से प्रोडक्शन में भी वो आपके साथ होती हैं। अरे यार ये क्या, वहाँ क्या चल रहा है? असल में फिल्म पहली बार चारों फिल्म में प्रोड्यूसर साथ ही मेरे पार्टनर थी, लेकिन उससे पहले कह दिया था कि मैं साइलेंट प्रोड्यूसर हूँ, मैं काम वाम नहीं करूंगी, लेकिन इस बार वो साइलेंट, इस बार साइलेंट नहीं थी, इस बार मुझे साइलेंट कर दिया उसने। अच्छा। मैं जो था वो बस वो काफी निदा ने हेल्प की है, लोकेशंस के हवाले से, वार्डरोब के हवाले से, ज्वेलरी, निदा काफी एक्टिव रही। शुरू के कोई 10 दिन जरा ढीली थी वो, फोन पे कर दिया बात हो गई तो हो गई, फिर इंटरेस्ट आ गया। फिर बाद में मैंने उसको बोला ऐसी प्रोड्यूसर का फायदा क्या, मैं किसी और प्रोड्यूसर को ना हायर कर लूं, मैं सारे काम मैं खुद ही कर रहा हूं, डायरेक्टर लोकेशन भी देख रहा है, तो लोकेशन अरेंज भी करवा रहा है, तो कपड़े भी देख रहा है, तो फिर जरा उसको अंदर से झंझोड़ा मैंने, तो फिर वो डबल मेहनत की, सुबह शो कर दी थी और बाद में। ये तो आपने बताया कि जब एक्टिंग शुरू की तो आपने ऑडिशन दिए, फेल हुए, सब कुछ हुए, तो ये जो हमारी भाभी हैं ये कहाँ, इनका ऑडिशन आप दोनों का आपस में कहाँ हुआ, ये मुझे जानना है। एक टेलीफिल्म थी वो की थी मैंने, ये भी मैं बहुत पहले बता चुका हूँ, लेकिन जो बता देता हूँ, उस वक्त हम पैदा नहीं होंगे। हाँ नहीं नहीं अब थे, तुम गोद में थे। गोद में मैं अभी भी होता हूँ। और किसकी गोद में होता ये बता दो, बस ये बता दो, उसको अवार्ड देना है। वो बता दिया तो अगला एपिसोड नहीं होगा, किसकी गोद उजाड़ अवार्ड देना है। अच्छा भले आप कहने बता देना कि आदि को इसे गोद में उठा लिया, वो अवार्ड के लायक। मैंने कहा किसकी गोद उजाड़ लो बता दो। अच्छा हाँ, तो आपका कैसे टेलीफिल्म की और नहीं जानते थे? नहीं हमने एक दो सीरियल किए थे, हम सलाम दुआ गेट तक था, ठीक है, जैसे उसका काम, मेरा ट्रैक अलग है, उसका ट्रैक अलग है, सही है। मैं आया हूँ अगर सेट पे तो वो जा रही, सलाम अलैकुम आप कैसे हैं, मैं ठीक हूँ आप कैसे हैं, ज्यादातर इस तरह एक दो काम किए हमने, ठीक है। फिर टेलीफिल्म थी एक, कामरान खान से जानते होंगे यार, वो टेलीफिल्म कर रहे थे बड़े एक्शन के साथ और गानों के साथ, तो दिन मांग रहे थे कोई 18-20 दिन, आम तो 6-7 दिन में टेलीफिल्म हो जाता है। मैंने यही सोचा कैसी टेलीफिल्म, तो मैं कहा यार इतने दिन कौन, तो पैसे 7 दिन के दे रहे हैं, मांग 18 दिन रहे हैं। सही है, तो मैंने मना कर दिया, मैं यार मैं नहीं कर सकता इतना टाइम, और आगे नुकसान है तो। खैर फिर एक दोस्त हमारे फारूक परी हो, उनके थ्रू वो असिस्टेंट था बेसिकली मेरा, बाद में दोस्त भी हो गया वो, उसके थ्रू कर उसने रिकॉल किया, यार देख मैंने उसको बोल दिया कामरान मुझे यहाँ से मना नहीं करेगा, कर ले यार। मगर यार कामरान फारूक पैसे भी कम मिल रहे हैं, दिन ज्यादा। खैर मैंने फारूक के कहने पर वो कर ली। वो की मैंने, ज्यादा खुश नहीं लगे मुझे, आंखों में उसका ग्लेयर भी आना शुरू हो जाए। वो जब मैंने टेलीफिल्म स्टार्ट की तो शुरू के 6-7, 4-5 दिन निदा और मैं ऑपोजिट थे, दो ही एक्टर होते थे, बाकी सब माँ बाप के कैरेक्टर ये वो, लेकिन हम डेली सुबह से लेकर रात तक, और उस वक्त वो भी नहीं था कि 10 बजे के घर जा रही हूँ, वो सीन ही नहीं था उस वक्त, रात 12 बजे तक काम हो रहा है, 2 बजे तक काम हो रहा है, छोड़ने फिर मैं जाता था उसको जान बूझ के। ये तो 3-4 दिन बाद मुझे फील हुआ कि यार ये सीन मुझे ही छोड़ना है पूरी जिंदगी। हाँ मुझे, हाँ मैं ये पिक एंड ड्रॉप कर सकता हूँ, पिक एंड ड्रॉप कर सकता हूँ। अब मैं चाहता हूँ छोड़ना जाऊँ, क्योंकि वो कहते नहीं बेटा आप छोड़ के दिखा। ठीक है, तो ये ड्रॉप करते करते आपको, ड्रॉप करते करते मैं खुद ही ड्रॉप हो गया, खुद ही ड्रॉप। तो ये इजहार किसने किया? मैंने किया था कि मैं ही ड्रॉप करना चाह रहा हूँ। अच्छा उसको फील, अब मानती नहीं है अगर ये बैठी होती ना, फील बिल्कुल हो जाता है, मानती नहीं है लेकिन फील होगी। मैंने कामरान से जिक्र कर दिया था, फारूक से जिक्र कर, तो शूट के बाद की लाइट हो रही है तो हम बाहर बैठे हुए हैं, तो दोस्त जैसे नहीं छेड़ते हैं एक दूसरे को, तो उसको फील हो गया था। तो अब उससे देखा गया अब बात आगे बढ़ी नहीं रही, आपस में मस्ती कर रहे हैं, अगर मूड, अब ये मानती नहीं है वो, अगर होती हो कहती झूठ बकवास ऐसा कुछ भी नहीं है। तो एक दिन हम सीधा लॉन में बैठे तो कहती है कि कामरान आज मुझे, कल मुझे 4 बजे तक पैकअप हो जाएगा। तो कामरान के मुँह से ऐसे निकल, क्योंकि लड़के वाले देखने आ रहे हैं, क्या आपको कैसे पता चला? मैं, हम तीनों ने एक दूसरे को देखा। अब मैं बोलता मानती नहीं है, मगर तुमने सब टोपी डामा के कोई देखने आ रहे थे। मुझे तुमने क्यों दिया, क्यों दिया, क्यों दिया, क्यों दिया, क्यों दिया तुमने मुझे? कहता ऐसा कुछ नहीं, सीरियसली देखने आ रहे थे लड़के ये वो। खैर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ बाद में। खैर वो एक दिन लास्ट डे शूट पैकअप हो चुकी थी, मैंने उस दिन आगे हिम्मत की कि मैं भाई मैं ये चाहता हूँ और शादी वादी ये वो। नहीं 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 मसला हो जाएगा, एक तो आप सिंधी हैं, मैं सिंधी हैं तो क्या हुआ, सिंधी हैं तो क्या हो गया, तो अच्छा थोड़ी है कोई, जब इनका नाम कोई सुनील थोड़ी है, सिंधी हैं क्या हो गया। नहीं नहीं वो मसला हो जाएगा, यूं होगा वो होगा। खैर फिर बात
वहाँ से अपने अम्मी से जिक्र किया, अम्मी ने कहा ठीक है रिश्ता ही मांगने की बात की ना, प्रॉपर चैनल ऐसा तो नहीं अम्मी ने भी कहा वो सिंधी है, नहीं नहीं ऐसा नहीं हुआ। फिर वो बाद में अम्मी के थ्रू इनके फिर हमारे फैमिली गए और खामोशी से पहले तो रिश्ता मांगा गया, तय हो गया, तो फिर मंगनी की तो फिर सबको हैरत हुई कि ये क्या हो गया अचानक, क्योंकि ये 18 दिन की मोहब्बत जो थी ना, और फिल्म का टेलीफिल्म का नाम भी मोहब्बत था। वाह जी वाह, तो ये 18 दिन में शादी तक बात पहुंच गई। तो आज तक है आपकी फारूक परी से दोस्ती या अब आपने दोस्ती तोड़ दी? नहीं है अभी है, बीच में गैप आ गया था। आपने कभी बदला लेने की कोशिश की? होता है ना मिले सान को कभी बदला लेने की? टेलीफिल्म में करता कर भी नहीं रहा था, मैं छोड़ भी दी थी मैंने, छोड़ भी नुकसान भी लिया, नुकसान ऐसा नुकसान नहीं नहीं माशाल्लाह हो गए, माशाल्लाह 20 साल देखते ही देखते हो गए। और अच्छा ये बताए काम करते वक्त आपस में, ऑब्वियसली जब आप काम कर रहे होते हैं वर्क प्लेस पे आदमी का बिहेवियर डिफरेंट होता है सब कुछ, तो कभी दुपट्टा बन के जा रहे होगे, मगर नहीं नहीं यार तो कभी काम करते हुए हुआ कि कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया हो, क्योंकि आप डिफरेंसेस हो सकते हैं सोचने में? बिल्कुल होता है भाई, देखिए इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि नादानिया 108 एपिसोड थे, वाह माशाल्लाह, तो बाकी ड्रामे आप जो हिट ड्रामे हैं वो तो बुलबुले ले लें आप, 700-800 एपिसोड हो गए हैं जी जी, लेकिन हम 100 मैं 26 पे गया बंद करने जब जियो पे के, मुझे बस 26 आगे नहीं बढ़ाना, मैं बंद कर रहा हूँ ड्रामा, तो बोला अच्छा ठीक है करते हैं बात करते हैं इस पर, मगर नहीं बस 3 हफ्ते रह गए, ये 3 एपिसोड आएंगे और ठीक है। फिर मुझे उन्होंने घेर घार के अच्छा बोला 52 कर दें, फिर 8 और कर दें, अच्छा 13 और करते करते 100 पे आ गए हम लोग। अब होता क्या था कि मैं डायरेक्टर भी था मैं एक्टर भी था, तो सेट पे जो मेरे साथ ना डबल टेंशन होती थी, मैं अपनी लाइन से याद करके बोल रहा हूँ और मैं अगले की लाइन भी देख रहा हूँ वो सही डिलीवर कर रहा है नहीं कर रहा है, पंच लाइन सही आ रही है नहीं आ रही है, तो मेरे पे डबल प्रेशर होता था, ये पॉइंट किसी को नजर नहीं आता था, तो कभी मैं निजा से लड़ पड़ूँ, कभी मैं दानिश से लड़ पड़ूँ, चाचा कमाल से भी लड़ पड़ा कभी मैं, वो भी बेचारे तो सब सताए हुए थे मेरे, लेकिन ये कि लड़ाइयाँ होती थी हमारे सेट पे काफ़ी होती थी, मेरी निजा की मेरी दानिश की, निजा दानिश की नहीं हुई लेकिन हम तीनों के होते थे। अच्छा मुझे होता है इतने साल और इतना सारा काम और हर तरह का काम, किसी ऐसे पॉइंट पर आगे आपने सोचा कि यार भाड़ में डालो इस काम को, कोई और काम करता हूँ यार? सोचते हैं लेकिन मजा इसमें ही आता है। जमींदारी के बारे में सोचा होगा? नहीं नहीं जमींदार वाला चक्कर ही नहीं, जमींदारी वाला अभी लिया मैंने एक छोटी सी जमीन ली है मैंने घारो साइड पे। अच्छा, और मैं धर्मेंद्र की तरह बुढ़ापा वहां गुजारूंगा, एक फार्म हाउस बना के फार्म हाउस बना के ट्रैक्टर चला रहा हूँ, भेड़िया नुमा कुत्ता भी होगा इस साइड भी होगा, केले के बाग होंगे इस तरह, उधर आम लगे होंगे, चीकू, कभी मैं दस्त मिलूंगा, कभी मैं लौकी निकालता हूँ मिलूंगा जमीन से। वैसे मैं आपको बताऊं जो आर्टिस्ट लोग होते हैं ना, जब भी वो एक कामयाब बिजनेस प्लान का हिस्सा बनते हैं उनके साथ उल्टा ही होता है, ऐसा हो सकता है कि जब आप उसमें घाट डालें तो अंदर से कीचड़ ही निकले? नहीं, ऐसे ही ऐसा होता है ना? ऐसे भाई मैंने अभी मुर्गी ली काले रंग की टर्किश मुर्गी, ठीक है, तो दोस्त तो नहीं था लेकिन जान पहचान थी उससे, मैं 2 मुर्गियां ले आया, दूसरे दिन अंडे दे दिए, मैंने घर में सबको मैंने खबरदार कोई अंडा नहीं खाएगा तोड़ेगा इसको, मैं इससे बच्चे निकलवाऊंगा, मैं बच्चे निकलवाऊंगा, हाँ हाँ बच्चे होंगे ना अंडे, तो मैंने एक जगह जहाँ अंडे दिए उसने ना, तो मैं डेली जाके चेक करता 3 हो गया आज, फिर जाता आज 4 हो गए, 6 हो गए, कोई 11-12 अंडे हो गए, तो एक जानने वाला आया बंदा मेरे पास, बोला यार सब ये आपने कितने अंडे, 12, बोला ये अंडे देने वाली बुढ़िया नहीं है, ये सिर्फ अंडे देंगी बच्चे नहीं देंगी, मैं क्या बात कर रहा हूँ, अंडे में से क्या जूस निकलेगा? बोला नहीं ये कुछ नस्लें होती हैं, मुझे भी बता दिया इस बात का, अच्छा तो मुझे भी पता इस बात, मैंने उसको कॉल की, मैं कहा बात सुनो ये जो तूने मुर्गियां दी हैं इसे अंडे दे रही हैं, बोले जी, मैं ये बैठेगी नहीं अंडों पे, बोला नहीं नहीं ऐसे ये अंडे नहीं, 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 नहीं है आपने बैठना है सीरियसली तूने चूना लगा दिया मुझे यार, मैं तो लिए ही चक्कर काले रंग की मुर्गी है, अंडे में क्या होता है पता नहीं, कोई फार्मिंग होती है कुछ, नहीं नहीं कुछ चक्कर वो अंडों में नहीं बैठती, वो अलग कहानी है, कुछ मुर्गियां होती हैं जो प्योर देसी मुर्गियां होती हैं वो बैठती हैं, तो वो 12 अंडे मैं सब फ्राई करो आज सब खाएंगे ऑमलेट बनाओ सबके लिए ऑमलेट बनाओ, ऑमलेट बनाओ जाके यार, ये तो बड़े तो हम हमें पता ही नहीं था, मैं 12 दिन से इंतजार कर रहा हूँ कब 22 अंडे होंगे कब बैठे चूजे निकलेंगे, आपने भी चुन के टर्किश बोली मुर्गी, मुझे क्या समझते अर्तुगरुल निकले, आम मुर्गी तो डिफरेंट थी वो, हाँ तो पता नहीं कहाँ देखी थी, मैं कहा ये तो बड़ी मजे की, पैट वाले पूछा मैंने उससे, हाँ मैं ये मुर्गियाँ हैं, अच्छा उन्होंने भी आखिर तक बताया नहीं क्या मसला, ये नहीं बताया उसने, मुर्गी भी अच्छी खासी महंगी थी वो, हाँ टर्किश थी, टर्किश थी, हाँ थोड़ा दो चार बात भी डबिंग करके करता हूँ हमने मुझे याद है मैं स्कूल में था तो मैंने भी एक मुर्गी ली थी, अब वो मुझे तो नहीं पता टर्किश थी अरबी थी क्या थी, वो मैंने मुर्गी ली तो उसने अंडा दे दिया, तो मैंने उसको अंडा दिया, मैंने भी अंडा दिया, तुमने अंडा दिया, ये निकल गई, ये इसका मसला जो है ना ये मसला तेरा बहुत पुराना है, मैंने उसको देखा, ये अड़ी में आ जाता है, आपने अंडा दिया मैं भी दूंगा मैंने उसको देखा कि उसने अंडा दिया,
अच्छा तो वो अंडा देखते देते हुए देखा तुमने? कोई तरीका होता है, कोई शर्म होती है? हाँ यार, को बता अंडा दे रही है वो यार। एक सोचो वहाँ खड़े हो और फैजान सोचो अंडा दिखल रहा है, बड़ा दिख रहा होगा। बोला अंडा अंडा देते हुए देखा मैंने। शर्मो हया, कोई इंतहाई गुर्बत की जिंदगी गुजारी तुमने, मुंडी को मुर्गी को अंडा अंडा देते देख रहा यार। यस यस यस, ये भी कर रहा होगा यार। और नहीं तो क्या, ये कोई तरीका है यार? मेरी मुर्गी मेरा पर्सनल मैटर है, मैं उसके साथ। तुम्हारा पर्सनल क्यों मैटर है भाई? मुर्गी मेरे कमरे में थी, वो मेरे कमरे में थी। वो कमरे में मुर्गी रखी हुई? हां कमरे में मुर्गी, मेरा पर्सनल मैटर। ये काफी काफी गलत बातें कर रहे हो, पर्सनल मैटर। आई थिंक यू गाइस आर नॉट द राइट पीपल टू टॉक अबाउट। अच्छा फिर बच्चों, नहीं 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 अंडा बात, अंडे अल्लाह दे दिया उन्होंने, फिर अंडा दे दिया नहीं दिया, खा गई वो अपना अंडा, मर गई उसके बाद। अच्छा ना, नहीं बात ही नहीं करनी इस बारे में यार, अभी तो मुर्गियों की बात शुरू हुई थी यार। नहीं नहीं अभी तो अंडा दिया था उसने। अच्छा मेरे, मैं वैसे बता रहा था ये अपनी मजाक। अच्छा फिर बताओगे? अच्छा नहीं बताओ अंडा। मैंने एक बार मुर्गी ली तो वो अंडा नहीं दे रही थी। नहीं दे रही थी? नहीं दे रही थी। तो मैंने उसको दो तीन बार चेक कराया कि मैंने कहा यार, उन्होंने कहा कि उसको ना मक्खन के अंदर पानी मिला के दो तो वो अंडा देगी। तो मैंने कहा अच्छा, तो मैं उसको मक्खन के साथ पानी मिला के देता रहा। मैंने 2 महीने ट्राई किया, नहीं हुआ। तो आखिर में डॉक्टर के पास ले गया कि भाई इसको चेक करें, इसको अंडा नहीं हो रहा। फिर तो एक एक तुम फारिग, एक डॉक्टर फारिग, नहीं मुर्गियां चेक कर रहा हूँ। फिर तो डॉक्टर ने कहा इसके लिए आपको इसके साथ मुर्गा भी लेना पड़ेगा। ओए होए, मैं यासिर भाई मैं माजर चाहता हूँ, असल में मैं सिंगल हूँ, मुझे इन चीजों का पता नहीं है। तुम्हें ज्यादा पता होना चाहिए। हाँ, ये भी सिंगल था और मुर्गी भी सिंगल। मुर्गी भी सिंगल। ये मसला मसला ये था, मसला ये था। मैं यासिर भाई मैं माजर चाहता हूँ, असल में मैं सिंगल हूँ, मुझे इन चीजों का पता नहीं है। तुम्हें ज्यादा पता होना चाहिए। हाँ, ये भी सिंगल था और मुर्गी भी सिंगल। मुर्गी भी सिंगल। ये मसला मसला ये था, मसला ये था। आप देख रहे हैं मजेदार शो, मेरे साथ मौजूद है यासिर नवाज साहब। सर मुझे ये बताइए कि जो फिल्म का प्रोसेस है ये ड्रामे से बड़ा मुख्तलिफ है, आप कौन सा ज्यादा एंजॉय करते हैं? एंजॉय तो फिल्म को ही करते हैं, फिल्म का अपना मजा है। लेकिन जो फिल्मों के साथ हो रहा है वो तो बहुत बुरा हो रहा है यार। तो इस पे कब हम आवाज उठाने वाले? एक मीरा जी ने तो आवाज उठा ली है। नहीं हमने भी उठा लिया, हमने तो ऑफिशियल उठाई है, मैं अदनान वजाद। लेकिन ये क्यों हो रहा है यासिर भाई, मुझे समझ में नहीं आता। एक कलेक्टिव है, एक इंडस्ट्री का एक वो होना चाहिए, एम होना चाहिए कि हम ये करेंगे। अब बस यही समझ नहीं आता। 3 फिल्में हमारी जो जिसमें हमारा मसला शुरू हुआ था कि हम अच्छा खासा बिजनेस कर रहे थे, हाउसफुल जा रहे थे, लोग मोमेंटम बना हुआ था, अचानक से वो डॉक्टर चेंज लगा दी। अच्छा हमने कहा डॉक्टर चेंज लगाएं लेकिन शो कम करें या एक हफ्ता रोक दें उसको, ताकि हम कुछ जो हमने इतनी मेहनत की है। बिल्कुल नहीं सुना कि हमें पहले बोला गया गवर्नमेंट की तरफ से हम यही करेंगे यही करेंगे यही होगा, अब एक हफ्ता वेट करेंगे आपको हम नहीं लगाएंगे। 3 को हमारी फिल्म लगी है, 6 को डॉक्टर सेंज लग गई। अब उसका नुकसान क्या हुआ कि हम तीनों फिल्मों को दमस्तम चक्कर और पर्दे में रहने दो को दो दो एक एक शो कर दिए उन्होंने, फिल्म डिप कर गई सारी। और फिर वो शोज भी मैंने देखे, वो टाइमिंग्स भी इतने ऑफ थे कि अब मैं कैसे जाके देखेगा। देखिए ये तीन प्रोड्यूसर्स नहीं है, ये 300-400 घर हैं। एब्सोल्युटली सर, ये थोड़ी कि मैंने मेरा पैसा लगा हुआ है, मेरे साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं। या एक प्रोड्यूसर के साथ आप जब एंड स्क्रॉल देखते हैं तो आप आखिरी सीट पे बैठे हो, आप बाहर निकल जाते हैं स्क्रॉल चल रहा होता है, इसका मतलब सबके रोजगार है यहाँ पर। जी बिल्कुल। हमारी बस क्या कह सकते हैं हम, ये आप मुझे बताएं कि ये 3 प्रोड्यूसर्स क्या अगली फिल्म बनाने की हिम्मत करेंगे? नहीं। और ये सारे एस्टैब्लिश्ड प्रोड्यूसर्स हैं, मैं भी नहीं हूं। बिल्कुल। इनमें से जो मेरी माशाल्लाह दोनों फिल्में हिट, तीनों चारों फिल्में हिट हुई हैं, वजाहत की फिल्में हिट हुई हैं, अदनान पहली बार आया बड़े शोर शराबे के साथ आया था, बिल्कुल ठीक ठाक इन्वेस्ट किया था उसने, ठीक है आपने सबको जीरो कर दिया आके, तो इस पर हम कुछ नहीं कह सकते भाई। तो ये अगर हम एस्टैब्लिश प्रोड्यूसर्स के साथ ये करेंगे तो जो वन ऑफ प्रोड्यूसर होंगे वो तो फिर बिल्कुल ही मेरे ख्याल से तौबा कर देंगे, क्योंकि ऑलरेडी काफी प्रोजेक्ट्स लाइन में थे और अब वो बाहर आए तो उनके साथ। मुझे आप बताएं ना आदि, आप मुझे आप बताएं ये जो फिल्में लगी हैं और जो लगनी है, जो आपने सुनी हुई है, जो आप मीडिया के हैं कि भाई ये फिल्म भी आएगी वो फिल्म भी बन गई है, ये सब लॉकडाउन से पहले की फिल्म है। बिल्कुल। अब नई फिल्म कौन सी स्टार्ट हुई मुझे आप बताएं ना। आप बिल्कुल कोई एक फिल्म बताएं जो भाई अभी कोई आवाज नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसका मतलब डर गए लोग। अच्छा एक और सवाल है मेरा, वो ये कि हम लोग क्यों ईद पे स्ट्रिक करते हैं खाली, क्या इस वजह से कि जी
छुट्टियां होती हैं, लोग जाके फिल्म देखना पसंद करते हैं कि आम दिनों में लोग फिल्म नहीं देखते? देखिए, हमारी फिल्म जो है 100% रिस्क पे होती है। ठीक है, ड्रामा हमारा सेफ होता है। ड्रामे में ये कि आप स्क्रिप्ट पहले से आप डिसाइड कर लेते हैं चैनल के साथ, आप कास्ट, राइटर, पैसे डायरेक्टर, हर चीज लॉक हो गई है। अब पहला एपिसोड चला, दूसरा चला, तीसरा चला, ड्रामा फ्लॉप हो हिट हो, पैसे मिलने हैं आपने। हाँ। आपको पैसे नहीं जाने कहीं भी, क्योंकि आपने पहले ही भेज दिया है वो ड्रामा बिकने ही बिकना है, पैसे आने। यहाँ का सिलसिला ये कि लोग आएंगे, पैसा रेवेन्यू जनरेट होगा तो प्रोड्यूसर के हिस्से में आएगा, वो भी कट कटा के। पहले सिनेमा जो ओनर है, एग्जीबिटर, वो रखेगा, फिर डिस्ट्रीब्यूटर रखेगा, फिर जाके प्रोड्यूसर के हाथ में आएगा बच बचा के। फिल्म बेसिकली हमारे बनती से शौक से, मुझे शौक है, क्रेज है, शौक से भी ज्यादा हमें। हाँ, शौक से भी ज्यादा। हाँ। नहीं तो कौन आदमी किसी से आप बोलोगे भाई मैं इतने करोड़ लगा रहा हूँ, बिल्कुल, और ये सोच लो कि भाई ये फिल्म पैसे आने भी है और नहीं भी आने। हाँ। सही बात है। और जो तो आने उसका 1/3 मिलना है आपको, 1/3 मिलना है। और प्रोसेस भी इतना लंबा है कि इतनी देर में 4 ड्रामे आदमी कर सकते हैं आराम से। हमें मेरे दोस्त की एक आटे की मिल है उसकी ना, तो उससे मैंने पूछा, मैं बोला हाँ यार एक पार्टनर और है, वो 6 करोड़ लगाए उसने, तो वो मेरे साथ पार्टनर है और 6-7 करोड़ मैंने लगाए। हाँ। 12 करोड़ में मिल खोली, बस सही है, बच्चे खाएंगे, हम मेहनत कर रहे हैं आगे। मैं कहा आप 6 करोड़ वो लगा रहा है, 6 आप लगा रहे हो और आपकी नस्लें खाएंगी, हम लगा रहे हैं 15 दिन बाद पता नहीं पैसे आने नहीं आने, नहीं आने। हम लगा रहे हैं तो उसमें हम बच्चों कह रहे हैं यार अब तुम मुझे कुछ खिला दो, मेरे तो खत्म हो गए। हाँ। है और नमाज पढ़ने जा रहे हैं, दुआ करना, फिल्म हिट हो दुआ करना, ये अलग चल रहा है। फिर भाग दौड़ लगे हुई है, प्रमोशन में पागल हुए होते हैं हम लोग। आप लोगों ने किए फिल्म? जी जी बिल्कुल, लेकिन रिजल्ट ही नहीं है, सैड रियलिटी है। हाँ, जो कि नहीं बदलने वाली है, आपको ऐसा लगता है कैसे, कि नहीं कैसे बदलेगी आसिफ भाई? ये क्या करना पड़ेगा, क्या गवर्नमेंट को भी कूदना पड़ेगा, हमें भी काम करना पड़ेगा एज ए फ्रेटर्निटी, क्या सीन है? देखिए, जब जो मैं जो हमारे सीनियर डायरेक्टर्स हैं, वो प्रोड्यूसर्स या डायरेक्टर्स हैं, वो कहते हैं जब सिंगल स्क्रीन थी, ये कैप्री सिनेमा, निषाद, बेलबिनो, ये थे प्योर सिनेमा, जैसे हम सिनेमा लवर्स हैं, फिल्म लवर्स हैं, वो सिनेमा लवर्स, वो भी सिनेमा लवर्स थे, बिल्कुल। उनको लगता था कि यार फिल्म नहीं आएगी तो हमारा सिनेमा नहीं चलेगा, तो वो सब मिलके फिल्म प्रोड्यूस भी करते थे वो लोग। सही है। एक सीनियर डायरेक्टर शहजाद रफी साहब ने बताया, मतलब वो इतने ऐसे लवर थे। यहाँ पर ये हो गया कि सबके साइड बिजनेस है, ये ठीक है, मेन उनका बिजनेस दूसरा चल रहा है, साइड पर उन्होंने सिनेमा खोला हुआ है, तो उनको फिक्र ही नहीं है, लॉक करो, खुदा हाफिज़, निकाल दो जो मतलब उनका एंटरटेनमेंट या परफॉर्मिंग आर्ट, वो बिजनेस कर रहे हैं, कोई लेना देना, सिर्फ बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है। हमारे यहाँ मुल्क में स्पेशली बिजनेस के साथ साथ बिजनेस तो बाद में, हमारे यहाँ पहले शौक है, मोहब्बत, इश्क है फिल्म से, फिर आप फिल्म सोचते हैं बिजनेस क्या है। और हमने फिल्म्स बेहतर होती देखी हैं पिछले 10 सालों में, हमारी फिल्म्स बहुत बेहतर होती गई हैं, कंटेंट वाइज, एक्टिंग वाइज, इवन जो प्रोडक्शन वाइज है, ऐसी चीजें और बेहतर होती गई हैं। इसके अलावा फैजान, अगर आपको याद हो जब नए नए प्राइवेट चैनल आना शुरू हुए थे, तो शुरू में कितना सॉफ्टवेयर था जो बनता था, डब्बे में जाता था, बिल्कुल, लोग बना रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, फिल्ट्रेशन होती थी, फिल्टर हो के अब आप ड्रामा माशाल्लाह आपका फिर खड़ा हो गया पाऊं, एब्सोल्युटली। तो फिल्म को भी टाइम तो देगा उसको, आपने भी टाइम ही नहीं दिया, अभी फिल्टर होंगे, ये 4-5 डायरेक्टर निकले अच्छे जी, आने वाले वक्तों में शायद 4-5 और अच्छे निकले हैं, तो लेकिन उनको काम तो करने दें, उनका काम देखने तो दें किसी को, तो अब वो हो ही नहीं सकता ना, वो चीज आपने ब्रेक कर दी उसको। अच्छा, आपका ज्यादा फोकस, आप ज्यादा एंजॉय क्या करते हैं, डायरेक्शन करना या एक्टिंग करना? बिकॉज दोनों आपके माशाल्लाह दोनों फोटे अपनी जगह सॉर्टेड है। देखिए, मैं जब एक्टिंग में था तो मुझे उसको एक्टिंग का था क्रेज, ठीक है, फिर मैं महरीन जब्बार या अयूब खावर साहब, तारिक जमील साहब, इनके साथ काम करना, इनके साथ बैठ जाना, मुझे फ्यूचर की फिक्र उसको भी थी। हाँ। क्यों एक्टिंग फ्यूचर नहीं है, डायरेक्शन फिर फ्यूचर है, तो मैं साथ बैठा होता था, कभी एडिटर बैठ गया, वो वाली बात है ना, काम छीनना पड़ता है, सिखाता कोई नहीं है। वाह। तो काम छीन के सबसे अच्छा, या इसका काम बुरे के साथ भी काम किया था, ये बुरा काम ये कर रहा है, ये नहीं कर रहा, ये अच्छा काम कर रहा है, इसलिए अच्छा काम कर रहा है, तो मुझे फिर डायरेक्शन का शौक बढ़ता चला गया, डायरेक्शन में करता, फिर एक्टिंग मैंने साइड में कर दी, एक्टिंग साइड में की, वजन बढ़ा दिया अपना मैंने, ठीक है। फिर एक पॉइंट आया, मैं एक्टिंग डायरेक्शन से बोर होना शुरू हो गया, एक्टिंग को मिस करना शुरू, अब मिस भी करना शुरू किया, फिर मुझे लगा मैं अब वो 1500 सीन 1200 सीन्स करके ना, हाँ। वो स्पेशली फिल्म की बात, फिल्म में 80-100 सीन होते हैं, 100 सीन होते हैं, तो 1200-1500 सीन आया, तो मुझे लगा अब ड्रामा खत्म कब होगा, असिस्टेंट रोज पूछा सीन कितने रह गए, 550 सीन रहते हैं, 550 अभी भी रहते हैं, मैं कितने कर लिए, मतलब 700 कर लिए हैं, अभी रहते हैं इतने से, तो फिर मुझे फील हो गया नहीं यार यासर साहब बेईमानी कर रहे हैं अपने काम के साथ, तो फिर मैं फिर एक्टिंग साइड पर आ गया, फिर मैंने सना को भी कॉल की, फिर जो दोस्त मेरे साथ के थे या जो हमायूं हैं ये वो, क्या मुझे एक्टिंग में आना है, तो मैं फिर सीरियल किया दिल मोम का दिया, शायद देखा हो नीलम जी, दिल मोम, हाँ, मेरे, तो माशाल्लाह वो सीरियल अच्छा चला गया, मुझे पता नहीं आपको याद है यानी, मैंने आपको अलग से मैसेज किया था उसके लिए, हाँ नहीं बिल्कुल याद है मुझे, मैंने कहा याद है, कमाल कर दिया है, बहुत कमाल एक्टिंग, मेरा दिल मेरा दुश्मन किया, चुप रहो किया सीरियल,
सीरियल भी अच्छा चलेगा। अच्छा आप दोनों काम साथ करते हैं साइमल्टेनियसली, जब एज एन एक्टर काम कर रहे होते हैं तो क्या डायरेक्टर को थोड़ा गाइड करते हैं अगर जूनियर हो या कुछ भी नहीं बोलते हैं, कहते हैं जो आप कर रहे हैं करते रहे? मैं डायरेक्टर के साथ काम करता हूँ तो पहले उसकी हिस्ट्री मालूम करता हूँ कि डायरेक्टर कौन है, इसने क्या क्या सीरियल किए हैं, कितने हिट सीरियल किए, और कुछ चार पांच लोगों के साथ पूछ के हाँ वो पता चल जाता है, पता चल जाता है आपको यार डायरेक्टर किस टाइप का आदमी है। ठीक है, करते ही उनके साथ हूँ। फिर जब डायरेक्शन, जब एक्टर सीट पे बैठता हूँ एक्टिंग सीट पे, फिर मैं वो गलत क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, करना है, एक लफ्ज नहीं बोलता। आप वाला नहीं करते यार ये यहाँ से कर, नहीं, नहीं 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 मैं नीचे से आऊंगा। पहले शायद करता हूँ जब मैं एक्टिंग में था। हाँ। अब मैं डर गया हूँ, कॉन्शियस हो गया हूँ। हाँ। यार ये इसका काम है, इसको कर रहे हैं। आप फैजान या आदि डायरेक्टर कुछ बोलेगा ना, उस शायद डायरेक्टर तो फील ना करे, मैं कुछ बोलूंगा ना तो लगेगा भी कि सीरियल के नाम नहीं लूंगा मैं, डायरेक्टर थे वो, तो मुझे अंदाजा हो गया कि ये इसका, इसने कंपटीशन शुरू कर दिया मेरे साथ। ठीक है। अच्छा। मेरा मेरा कंपटीशन मैं चाह भी नहीं रहा हूँ और है भी नहीं, तो मैं बैठा हुआ था, तो दो या तीसरा दिन था शूट का, उसने डायरेक्शन में जबरदस्ती की मूव्स ली ना। अच्छा, मूव्स की भी टाइमिंग होती है, लाइंस होती है, इसमें बीट होती है, किस लाइन कितनी लाइन इंपॉर्टेंट है, किसमें क्या क्लोज चाहिए। सेकेंड डे या थर्ड डे था, तो उसने इतनी गलत मूव ली और गलत टाइम पे लिया, तो सीन की लाइन सारी डिप कर गई ना। ठीक है, लेकिन मैं समझ गया यार ये मैंने इनल्ला पढ़ लिया, इनल्ला आ गया हूं। ये सीरियल तो गया, क्योंकि मुझे नहीं था अंदाजा कि ये सिलसिला ऐसा हो जाएगा। तो वो फिर मुझे बाद में फील हुआ कि इसको मुझसे वो हो गई है, जबकि मैं ना बोल रहा हूँ ना मैं कुछ कह रहा हूँ, लेकिन वो मेरे सामने ऑडिशन दे रहा था। कभी कभी प्रेजेंस भी जो है ना वो इनसिक्योर कर देती है, पता नहीं क्यों हो जाता है बाद में। लेकिन शद्दी है शायद शफात, वो बड़ा सीनियर डायरेक्टर है, बिल्कुल साथ का भी है, उससे बल्कि सीनियर ही होगा, थिएटर किया काफी, फिर सामा के साथ काम किया, वो माशाल्लाह जबरदस्त डायरेक्टर। यासिर भाई, जब आप डायरेक्टर बने थे तो एक्टरों के नखरे आपने देखे होंगे? मुझे नहीं दिखाया किसी एक्टर ने, किसी ने नहीं दिखाया, और अभी तक नहीं दिखाया कि हां अभी तक नहीं, इतनी सारी डायरेक्शन करने के बाद भी नहीं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मैं नहीं, ये आग जोड़ आप मैनेज कर रहे, किसी ने तो कहा होगा वो वाला पानी पीऊंगी तो करूंगी, नहीं 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 कभी नहीं किया, आज तक नहीं किया, आज तक नहीं किया। प्रोड्यूसर साथ किया हो तो किया हो, मेरे साथ नहीं किया कभी, बिल्कुल भी नहीं, कभी नहीं, कभी और कभी किसी को आपने झाड़ा हो किसी एक्टर को, क्या आपकी बस होगी होगी यार लाइनें याद कर लो कम से कम? नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। तुम लोग इशारा कहीं और दिल में कुछ आ जाएगा बात क्या? नहीं नहीं नहीं, क्योंकि हम ऐसे देखते हैं, हम क्योंकि सेट्स पे होते हैं तो हम ये चीजें देखते हैं। मुझे ऐसा लगता है आप जिस तरह आप बता रहे हैं ना, मुझे लगता है आप काम को बहुत सीरियस लेते होंगे, तो सीन अच्छा मांगते होंगे, भाई मुझे ऐसा चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, भाई नहीं समझ में आ रहा है, नहीं हो रहा मुझसे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता, ये तो होता है कि आप डायरेक्टर एक्टर की जो आपस की जो काम के हवाले से जो एक वो है, वो है, वो तो रहती है, लेकिन पानी ये पीऊंगी तो खाना वो खाऊंगा तो ये नहीं, लेट आऊंगी या जल्दी चली जाऊंगी, ये कभी कभी हमें देखना पड़ता है, लेकिन बहुत कम, वो कम देखते हैं। किसी एक्टर ने छुट्टी की और बोला हसन भाई मुझे सांस नहीं आया, मैं बहुत बीमार हूँ, सीरियसली हुआ, और शाम में किसी पार्टी पे मिल जाए? नहीं, वो नहीं हुआ भाई, एक शूट कैंसिल हुई हमारी, मैं सुबह थी उसी एक्टर की शूट थी, तो मुझे कॉल आई, असिस्टेंट ने पहले बात की, फिर बोला यार ये मसला हो गया उन एक्टर का, क्या करें, और इनके बगैर कोई सीन ही नहीं है। मैंने बात की, मैं कहा हाँ हेलो, बोला यार यासिर अरे इतना बुरा यार मैं मसला हो गया, बीमार हूँ भाई, आज भाई रहने दे, आज भाई मेरा प्लीज यार आज ना करने। अब मैं क्या बोलूँ, मैं इतना अच्छा ऑडिशन दे दिया उन्होंने फोन पे, मैं पकड़ लिया यार सब एक्टिंग खत्म होगी बात। कोई आठ दस दिन बाद वही एक्टर मेरे साथ, हम गाड़ी में सीन कर रहे थे, कार पोच पे गाड़ी रुकती है, कैमरा बाहर लगा हुआ है। अच्छा, इन्होंने उन्हीं एक्टर ने मुझे सुबह बताया था कि मुझे फलां कॉलेज में जाना है, कोई एक्टिंग कंपटीशन है, मुझे जज बनाया हुआ है, सुबह 8 बजे जाना है, तो मैं 11:30 तक आ जाऊँगा। मैं तुम्हारा सीन वैसे ही 12-1 बजे सुबह, इन्होंने मुझे बता दिया कि वहाँ जाना है, वहाँ जाना है। ठीक है, अब रात के कोई 10:30 बज गए, अब तब तक उनका मूड सुबह जाने का खत्म हो चुका था। ठीक है, क्या मैं घर जाऊंगा, सोऊंगा, सुबह उठ के वहां जाऊंगा, फिर शूट पे भी कौन करेगा, इतने मत कहिए, कॉल आ गई, उनको फोन आ गया, कॉल आ गया, मैं बैठा हूँ सर, हेलो तबियत थोड़ी खराब हुई, वही परफॉर्मेंस उन्होंने मेरे बेटा, एक हफ्ते पहले ये परफॉर्मेंस देख चुका हूँ। वाह, तो आपने उसमें कुछ कहा नहीं उनको, आप समझ गए कि अच्छा ऐसा हो जाता है। अच्छा, आपने नए लोगों के साथ भी आप काम कर रहे हैं, पुराने के साथ डेफिनेटली आपने काम किया है, क्या फर्क फील होता है आपको? फर्क है कि नहीं है? डेफिनेटली फर्क होगा, जो मेरे साथ के हैं, जो दोस्त यार टाइप के हैं, उनको उनका बिहेवियर दोस्तों वाला ही होता है, साथ कोई ऐसा मसला नहीं है। यंगस्टर्स भी अच्छे हैं वैसे तो, ऐसा कोई नहीं है, लेकिन अब थोड़े शशके ज्यादा आ गए, चोंचले शशके थोड़े ज्यादा हैं, चोंचले के हैं या शशके के हैं, लेकिन अब मैं ड्रामा डायरेक्शन छोड़े हुए कुछ 4-5 साल हो गए, मैंने नहीं किया कोई सीरियल, ठीक है, तो इतना मुझे अंदाजा नहीं है, लेकिन अब
शायद अब इनको किसी ने कान में बोल दिया कि थोड़ा सा हाँ। ये कि मुझे 2022 वाली गाड़ी में पिक कराएं, 21 में नहीं बैठती हाँ। घर पे मेहरान है वैसे। कान में किसी ने बोला है तू बहुत परेशान है चीजों को लेके, मैंने देखा लगता है प्रोड्यूसर ही है हाँ। नहीं मैंने देखा है ना असल में, क्योंकि मैं उनको पहले पिक कर चुका हूँ। यासिर भाई मुझे बताएं, घर में सबसे ज्यादा शैतान कौन है? किस हवाले से आप, मतलब शैतानी घर में शरारते कौन करता है ज्यादा? बच्चों और हमारे बड़ों में, बच्चों में किस में? आप बड़ों में मतलब भाई बहनों में? भाई बहन सब, हाँ। सब लोग दानिश शरारती है। अच्छा दानिश में शरारती सभी है दिखाया तो दानिश फराज मैं हम हमारे क्लिप देखा होगा यार, वो जो यार वाला वो ऐसी तफरी में बैठे हुए थे उन लोग, मुझे ऐसा लग रहा था कि आप लोग ही हैं वो जैसे बिफोर आफ्टर दिखाते ना, बिल्कुल वो लग रहा था। तो वो आए वो एकदम से रैंडम ऐसे हुआ, अच्छा लगा तो दानिश से बोला भाई करें ये बनाए, तीनों बनाए मिलके। तो फराज डॉक्टर साहब, हालांकि डॉक्टर है वो, करते हैं जरासीम पूरे की एक्टिंग की है उन्होंने, एक्सप्रेशन वगैरह पूरे थे उनके। तो हमने मस्ती मजाक में शुरू किया, तो हमारे घर में कभी ईद पर आप आए ना तो आपको लगे आप मॉर्निंग शो में आए हुए। वो तो सारे लवाजमात आपके पास मौजूद है, सब मस्ती चल रही होती है, कोई सबने अपने अपने हिसाब से कुछ। फराज जो है वो होशियार है, वो 10-10 का नोट लाया होता है, बच्चों को कहता है एक सांस से जितनी गिनती करोगे उतनी निधि मिलेगी। अब बच्चा गिना 1 2 3 4 5 6 कितना हुआ 110 रुपए। मैं कहता यार मैं फराज तो बच्चों को बच्चे का फेफड़ा भूल गया, फेफड़ा भूल गया 110 रुपए। मैं 10 से 100 रखते ना आगे यार, डॉक्टर है ना वो स्मार्टली खेलता है। ठीक है कम है तो चलो 3 बॉके दूंगा, एक बार फिर से हो जाए 3 में भी बेचारा बच्चा 300 जीत सेगा। सही ये अच्छी टेक्निक है, बिल्कुल ठीक है। जैसे मैं आपके साथ गेम खेल के इसका नाम है यस नो आई डोंट नो। अच्छा हाँ पता है नहीं पता, और फिर बिल्कुल ही नहीं पता, जब मर्जी आपकी। ठीक है जी, आपने जल्दी जल्दी जवाब देने। अगर आपको मौका मिले दिल मोम का दिया रीशूट करने का, तो क्या आप कास्ट सेम रखेंगे या चेंज करेंगे? दिल मोम का दिया गया, हाँ दिल मोम सही है, नहीं सेम रखूंगा, सेम रखेंगे। ठीक है, अगर आपको शादी का मौका दिया जाए तो क्या आप भाभी से ही करेंगे? ये मैं आपको एक सेकेंड, ये मैं आपको बता दूं, जब ये चलेगा आप वेकेशन पे ही होंगे। नहीं देखिए मैंने बचा लिया आपको, वरना अजीब सा लगता है अकेले आ रहे होते वहां से। अच्छा जी एक ब्रांड बनना, जैसी से ही करूंगा नेता, जैसी से ठीक है। अच्छा मैनेज किया उन्होंने। अच्छा जी एक ब्रांड बनना आपका हमेशा से ड्रीम था? एक ब्रांड बनना हाँ हाँ ऐसी ड्रीम था। ठीक है जी, क्या इंडस्ट्री में मौजूद नेपोटिज्म का हिस्सा आप भी हैं या नहीं? देखो हमारे यहाँ नेपोटिज्म जो है ना वो सब्जेक्टिव है मेरे ख्याल से बहुत। आप देखें ना आपके अंदर टैलेंट होगा तो आप कुछ बनेंगे। ठीक है, अब आपकी वालदा माशाल्लाह बहुत बड़ी अच्छी आर्टिस्ट, बहुत अच्छी आर्टिस्ट, लेकिन आप में टैलेंट है तो आप जगह बना रहे हैं। सुल्तान राय साहब इतने बड़ा नाम, इतना बड़ा स्टार, उनका बेटा वो जगह नहीं बना पाया जो बनानी चाहिए थी उनको। तो हमारे टैलेंट चलता है, बहुत सिर्फ टैलेंट चलता है। बिल्कुल ठीक है, आप न्यू फेसेस कास्ट करना पसंद नहीं करते? नहीं नहीं ये गलत करते। ये बताए नल्ली जो है इसको लग रही है भूख? हाँ सीर और कराओ दो दो शो रिकॉर्डिंग। सबने इमेजिन किया, मुझे अच्छे लगा, मैंने नल्ली बोला है सर। इसको पता नहीं इस भूख तो लग रही है, सामने जाहिद निहारी जाहिद निहारी की डाइट पर हूँ। मेरे साथ मैं पूछ रहा था कि नल्ली जो है मैं मुंह से चूस के निकालता हूँ। हाँ हाँ मुंह से भी ये भी करते हैं ये, और जब हड्डी नरम हो तो पीछे से दबाओ ना तभी निकलती निकल जाती है। प्रेशर दो पीछे से, प्रेशर दो और वो पिछली वाली हड्डी भी बजेगी होती है। नल्ली को पीछे से प्रेशर दो, नल्ली बैक मारती है। अच्छा जी अगर निता भाभी का एतराज ना हो तो मैं दूसरी शादी कर लूंगा? नहीं नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। ठीक है सॉर्टेड है ना, हिम्मत हो चुके पहले, वो शौक है ख्वाहिश है लेकिन कर नहीं सकता। भाई एक ही काफी है। अच्छा एज ए कॉन्टेंट क्रिएटर आप निता भाभी के शो के कॉन्टेंट से सेटिस्फाइड है? अगर खवातीन टारगेट है उनका, लड़कियां खवातीन, तो उस हिसाब से सही है। देखिए यस नो मे भी करना था, आप बिला वजह अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हैं। यस ठीक है जी, मिस मार्वल में महेश हयात ने आयशा का रोल बखूबी निभाया है? या मैंने सच में देखा नहीं, मैंने प्रोमो ट्रेलर देखे हैं, अच्छा ही किया होगा। हाँ महेश हयात है। ठीक है, आप बच्चों के साथ टूर करना परेशान, टूर करने में परेशान हो जाते हैं? अब नहीं होते, अब थोड़े बच्चे बड़े हो गए, लेकिन जब छोटे थे आए हाय वो स्टोर आता है डबल वाला जो बड़े हुए होते हैं, दो बच्चे एक 2 साल 3 साल 1 2 साल का 1 3 साल का दोनों को साथ ले घूमना, ट्रेन आ गई दरवाजा खुला है चंद सेकंड्स के लिए, ओए ओए। बच्चों को भी उठाओ तो उसको खींच के स्टोर में बंद करो तो वो भी अंदर लेके जाओ, कमीज भी फंस गई, कमीज फंसी हुई है, कैमरा होते तो जमाने में वो भी फंसा हुआ है। हाई स्पीड में चल रहा है, हाई स्पीड में चल रहा था, यू टाइमिंग करनी होती टक 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 टक। फिर रोमांटिक सी जगह पर मैं और निता बैठे हैं आईफिल टावर के पास, यार निता मजे की जगह है यार, कितना अच्छा मौसम है, उफ कर डैडी पॉटी।
सारे रोमांस साइड में हो गया। अच्छा भाई अब वॉशरूम घूम रहे बैठे हुए, कहाँ जाना है इसको लेके। अच्छा अगर जिंदगी में एक और मौका मिले तो इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करूंगा। बिल्कुल करूंगा, बिल्कुल करूंगा। ठीक है जी, क्या एक सुपरहिट मूवी के लिए आइटम सॉन्ग जरूरी है? जरूरी नहीं है लेकिन होना चाहिए, बुरा नहीं हो तो कोई बुराई नहीं, बुराई नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, क्या आपको लगता है कि रॉन्ग नंबर 2 रॉन्ग नंबर 1 से ज्यादा बेहतर थी? मुझे लगता है रॉन्ग नंबर 2 ज्यादा बेहतर थी। क्यों? क्यों मैं था उसमें। वाह वाह वाह। नहीं थोड़ी 1 भी अच्छी थी, 2 का इसलिए अच्छी थी 2 का स्क्रीन प्ले मजे का था और डायलॉग्स भी मजे के थे, तो वो दोनों कॉम्बिनेशन अच्छा था। 1 का स्क्रीन प्ले अच्छा था, डायलॉग्स बहुत अच्छे नहीं थे लेकिन अच्छे थे, बुरे थे लेकिन और अच्छे हो सकते थे, लेकिन दोनों फिल्में मेरी हैं, दोनों अच्छी थी। लेकिन अगर 0.5% ऊपर दूं तो मैं शेयर रहूंगा 2 को। अच्छा ये बताएं, बारिश जब ज्यादा होती है पानी ज्यादा आता है? दोस्त को गाड़ी की चाबियां देके गया, हम बाहर जा रहे थे जा रहे ना बाहर, तो दोस्त को घर की चाबियां भी देके गया, गाड़ी की चाबी भी देके गया, और सामने रहता था वो। ठीक है, इत्तफाक था मैं जिस जगह रहता हूँ पूरे उस कॉलोनी में पानी नहीं भरा, मेरी 2 गाड़ियां स्टेरिंग तक पानी था, और दोस्त बता रहे थे कि आपकी गाड़ी जो है कभी यहाँ जा रही थी तैरती हुई, कभी तैरती हुई वहां पहुंचती थी, फिर तैरती हुई हमारा गर्द गाड़ी। तो उनको चाबी क्यों दी थी उन्होंने? मैंने ये बोला, मैं कहा भाई आपको चाबी मैं इसलिए दे गया था कि सांस को सूरत हाल हो तो गाड़ी जरा बचाइएगा। उसने कहा बचाई दो, चोरी तो नहीं हुई ना? अपनी बचाई, चोरी तो नहीं हुई ना। अच्छा ये बताया, जब बारिश हुई थी तो एक अलग से मुझे सवाल याद आ गया, जो लास्ट टाइम बारिश हुई थी माशाल्लाह हुई जा रही थी, हर जगह से पानी निकला था, आपका घर कहाँ तक डूबा? घर नहीं डूबा, हमारी सड़कें वड़कें काफी खराब हुई, घर के अंदर नहीं आया पानी, बचत हो गई थी। ठीक है जी, मैं दानिश नवाज से अच्छा एक्टर हूँ? दानिश कॉमेडी में अच्छा है, मैं पता नहीं अच्छा हूँ, मुझे नहीं पता यार, मैं खुद तारीफ करूँ यार मैं बहुत अच्छा एक्टर हूँ यार। मैनेज कर रहे हैं, हम चाह रहे थे आप करते तो हम आगे से बोलते यार अपनी तारीफ खुद कर रहे हैं। मुझे पता है ना आधी का। अच्छा ये बताएं, नहीं नहीं रुक जा, मेरा इसी का दूसरा हिस्सा भी है, मैं दानिश नवाज से ज्यादा अच्छा डायरेक्टर हूँ? दानिश अब अच्छा काम कर रहा है, मेरा पता नहीं लेकिन दानिश अच्छा काम कर बहुत ज्यादा हम्बल हो गए, बहुत हम्बल हो गए। अब बोला देखो, दानिश शुरू में अच्छा नहीं था डायरेक्टर, अच्छा तो फराज और मैंने बैठ के जो हमने बैंड बजाई ना दानिश की, ठीक है कि दानिश जी क्या है डायरेक्शन में, क्या करते हो तुम, क्यों ये, और मैं जाना चाहता हूँ उन्होंने क्या कहा आगे से? वो मानता कभी नहीं है, उसने एक दफा राधे टाइप की बाल कटवा लिए जब नए नए राधे आए थे, तो उसे करली बाल, जब सोचो करली बाल वाला बंदा राधे टाइप करा गया, अरे मैं फराज अच्छे लग रहे हैं, प्यारे लग रहे हैं, खत्म हो गई बात। 2-3 दिन बाद नाई मिली है ना वाला जो हेयर ड्रेसर, जिससे वाल राधे बनाए थे, यार आपने क्या बोला है दानिश भाई को, यार उन्होंने मेरी बड़ी बेइज्जती की, उन्होंने मेरी आके यार मेरी आज तक किसी ने बेइज्जती, मैं वहां तो मान नहीं रहा था, वहां जाके क्लास लेके आ गए, तो नीचे गया उसे क्लास लेकर आया, तो दानिश मानता नहीं है कि मैं बुरा था, अब दानिश वाकई अच्छा काम कर रहा है। अच्छा ये बताएं कि मेरी प्रेफरेंस क्या है, कि मैं दुबई जाऊं या फिर मैं मलेशिया जाऊं? मलेशिया बेहतर है, मलेशिया बेहतर है। घर का खाना या बाहर का खाना? मुझे घर का खाना पसंद है। बिक्रे मोती या फिर दिल मोम का दिया? दिल मोम का दिया। बिल्लू चौधरी? बिक्रे मोती भी अच्छा था लेकिन दिल मोम का दिया। ठीक है, निदा के हाथ का खाना कि निदा के हाथ से कुछ खाना? वाह रोमांटिक हुआ एकदम से, सवाल रोमांटिक हुआ। ये कोई सताई भी खातून है जिन्होंने सवाल लिखे, सीरियसली यार सुनो कैसा लग रहा हूं, निदा खिला रही होगी अब वो कहां है यार, निदा अच्छा खाना बनाती है वैसे, निदा खाना अच्छा बनाती है। अच्छा जी, बच्चों से अच्छे रिजल्ट ही चाहता हूं या फिर बस पास हो जाए तो खैर है? पास हो जाए खैर, मैं खुश हूं यार पास हो जाए। अच्छा मैं बहुत खुश हूं। बच्चों को खुद पढ़ाते हैं या कहते हैं ट्यूशन जाके पढ़ो? यार कुछ ट्यूशन भी पढ़ते हैं, कुछ निदा देखती है, खुद भी पढ़ते हैं वो। आप क्या कर रहे हैं सब में? मैं सब में सिर्फ टीवी देख रहा हूँ और फीस दे रहा हूँ और फीस दे रहा हूँ आप वो लब्बू तो नहीं है जो हर वक्त एक सफाई सलवार और बनियान? यकीन करोगे अभी यहाँ जो चेक मिलेगा ना वो बच्ची फीस ही देनी है मुझे। यार ये थोड़ा फॉरेन कर, फिर मुझे लग रहा है इंटरव्यू की जगह दुआ कर लेते हैं। मैंने इमोशनल कर दिया डायरेक्टर को, अकाउंटेंट को, यार दे दो कल, जो हमने हफ्ते का बोला था कल ही दे देते। अच्छा जी, अच्छा इखलाक या फिर अच्छा एक्टर? अब वो डिपेंड करता है कि आप, अगर मैं पर्सनली मिल रहा हूँ तो अच्छा अखलाक जरूरी, लेकिन मैं डायरेक्टर हूँ तो मुझे अच्छा एक्टर चाहिए। नहीं अगर अच्छा एक्टर और इखलाक फारिग हो, आप कहते हैं यार मैं कर लूंगा कोई टेंशन नहीं मैनेज कर लूंगा? नहीं कर पाता हूँ, काम खराब होता है। तो आप कहते हैं मतलब अच्छा एक्टर हो तो इखलाक भी अच्छा होना चाहिए, इखलाक भी बहुत जरूरी है, काम करना इसमें आसान हो जाता है। ठीक है जी, फरीद नवाज बलोच साहब एज एन एक्टर या फिर एज अ फादर? बोथ, दोनों। उनके काम को कितना आपने कोशिश करते हैं कि मैं ऐसा करूं, या आप कहते हैं यार मैं इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहता, मैं अपना हिस्सा करूंगा?
नहीं, मैं तो मैं किसी और जगह बोल चुका हूँ, मैं अपने अब्बा जैसा बिल्कुल नहीं होना चाहता। ठीक है, क्योंकि वो उन्होंने किया नेगेटिव रोल, विलन रोल। सही है। अब मेरे मेरी मेरा स्टाइल और शक्ल भी, बहुत से लोग कहते हैं अब्बा जैसी हो गई है, तो मुझे विलन के कैरेक्टर के ऑफर आती है, मैं मना कर देता हूँ। एक ही सीरियल किया था, थोड़ा सा नेगेटिव कैरेक्टर था, ये मेरा दिल मेरा दुश्मन, दुश्मन। तो उस वो भी मैं करना नहीं चाह रहा था, लेकिन मुझे करना पड़ा। उसके बाद मुझे फिर लाइन लगना शुरू हो गई, ये भी पता नहीं नेगेटिव रोल। अच्छा, ये हमारा एक और मसला है, अगर आप कोई चीज अच्छी कर दें तो फिर वो कहते हैं आप यही किए जाओ। लेकिन ये बड़ी बात है कि तो मैं बड़ा अच्छा लगता है ये तो सुन के कि लोग आपको कहते हैं कि आप उनकी शक्ल भी उनकी जैसी आपकी होती है। वरना हमारे काशी भाई जो है, इनकी ये जब बड़े हुए तो इनकी शक्ल इनके घर के जनरेटर जैसी हो गई थी। अच्छा, बताए बचपन में मोहल्ले के फट्टे किए या असेंबली में फट्टे किए? फटे नहीं किए, फटे वाला फटे किए नहीं आपने? आज तक नहीं किए? नहीं नहीं, ऐसे तो हुए हैं जो ग्रुप में नहीं होते, फुटबॉल खेलते हुए हो गए और इस तरह हुए, लेकिन कोई हाथापाई वाला फटे नहीं हुए कोई मेरे। अच्छा, जब आपको गुस्सा आता है तो उर्दू में आता है सिंधी में आता है? उर्दू में आता है, सिंधी में क्यों आएगा? सिंधी में घर में बोलते हैं उर्दू में। नहीं, एकदम होता है ना गुस्से में आदमी कहता है जिस पे ज्यादा मैं। नहीं नहीं नहीं, मैं हम बचपन से इतनी उर्दू साफ होने की रीजन ये है कि हमने बोली घर में उर्दू है, ज्यादातर कजन भी हमसे आप उर्दू में बात करते हैं। अच्छा, सिंधी सिंधी क्योंकि आपको आती तो बुरी होगी, जाहिर सी बात है। तो ये जब आप जाते हैं किसी गवर्नमेंट ऑफिस में या कोई पुलिस वाला रोके तो फायदा उठाते हैं इसका? फायदा नहीं उठाते, वो बेचारा ख्याल करते हैं मेरा, सिर्फ एक्सेंट सुनाई दिया, एक वर्ड सिंधी का नहीं था और एक्सेंट भी उसको और मीठा वाला। मतलब कहाँ जा रहे भाई, ये कौन सा अदा है? इसमें पुलिस वाला, तुम पे भी शक हुआ, अदा पे भी शक हुआ, पुलिस वाला चालान भी नहीं काटता और साथ भी ले जाता है। अच्छा जी, आखिरी सवाल ये बताएं, अगर आपको मौका मिले बायोपिक शोएब अख्तर पे बनाएंगे या उमर शरीफ साहब पे बनाएंगे? उमर शरीफ साहब बनाएंगे जी। उमर शरीफ साहब के लिए बहुत सारी तालियां बजाएंगे। वक्त हुआ जी छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक पर जाते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। आप देख रहे हैं दम मजेदार शो। मेरे साथ मौजूद है यासिर नवाज साहब। सर, अब इसमें होगा ये आखिरी सेगमेंट में कि हम ऑडियंस को कहते हैं कि अगर आपने कोई सवाल करने हैं हमारे गेस्ट से तो अब यहाँ मौजूद हैं, क्योंकि इससे पहले हमारे सीजन में ऑडियंस नहीं होते थे। अच्छा, अभी हमने इनकॉर्पोरेट किए। असल में हमारे पास एक लियाना थी, वो हमने बेची है, तब ऑडियंस का हमारे पास बजट आ गया। लियाना बेच दी हमने। जी मैम, पूछिए। वाह भाई, नीलम मुनीर को गाल दे रहे हैं। ये वो ऑडियंस है जो गौर से देखती है। नीलम अभी आप भी गौर से देखिएगा, ये क्या जवाब दे रहे हैं। अरे वो तो प्रोड्यूसर है, उनको मालूम। जो चीज नीलम को कभी ध्यान गया भी नहीं होगा ना, इन्होंने डाल दिया। एक औरत ही औरत की दुश्मन होती है। ऐसे ही यहाँ देखिए, ये नीलम की भी दुश्मन है और नीलम की दुश्मन, दोनों तरफ चल रही है। एक तीर से दो शिकार की इन्होंने। भाभी है कोई आपकी? है कोई भाभी? कोई तो है। भाई की शादी में अभी तक वो खतरनाक नंद होगी। यासिर भाई बताएं, भाई क्या वजह है, क्या वजह है? ये तो हमने भी नहीं सोचा भाई। नहीं, मैं इत्तेफाक से नीलम को दो फिल्म में कास्ट किया है। ठीक है, एक रॉन्ग नंबर टू में और चक्कर में। ठीक है। हाँ, ये अलग बात है कि दिल मोहब्बत दिया में भी वसा थी। वो डायरेक्टर शाहिद शफात थे और दूसरी सीरियल थी बिखरे मोती, उसके भी डायरेक्टर शाहिद शफात थे। तो मैंने तो सिर्फ दो फिल्मों में कास्ट किया। यही सवाल हम शाहिद भाई से पूछेंगे। हाँ, आप ये क्यों कर रहे हैं भाई? नहीं, नहीं, नहीं। मैंने शायद स्ट्रॉन्ग डायरेक्टर, वो डिसीजन खुद लेता है। मैंने नीलम जी का एक इंटरव्यू अभी थोड़े दिन पहले देखा था, वो कहती थी कि मुझे डांस बिल्कुल नहीं आता। हाँ, तो आपने तो उनके साथ काम किया, आप बताएं कि उनको बिल्कुल नहीं आता? नहीं नहीं आता, अगर निगा जी तो अच्छा खासा डांस किया। अच्छा डांस किया निगा जी, मतलब वो ऐसी, वो मेरे ख्याल से वो कह रही हैं हंबल होने के लिए। नहीं नहीं, वो नेचुरली नहीं आता, अगर कोरियोग्राफ किया जाए तो फिर आता है। अक्सर गाड़ी में बैठे बैठे आ जाता है। अच्छा, ये ये मैंने आपको पूरा कवर कर लिया था, नीलम इनसे रहा नहीं गया भाई। ये देखे नीलम, मैं तो मना भी कर रहा था, कैमरा कट नहीं था उसको, मैं कह रहा हूँ और कोई सवाल? हाँ जी सर, तुम तो ऐसा लग रहा है पैसे मांगोगे हमसे। हाँ जी, अभी तो नहीं किया, पिछले साल का हो। चलो चलो, अच्छा कर लो कर लो कर लो। लीजा शाह के साथ काम किया तो कैसा लगा? कैसा ये सब फुफिया बिठाई हुई गया कि लड़ाइया करवाओ बैठ गया। ये वही है जो कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं, ये सारे वही है। सीरियसली वही है ये। नहीं, मुझे अच्छा लगा काम करना, बहुत अच्छा लगा। नहीं नहीं, वो सीरियस बताऊं, अलीजे आर्टिस्ट अच्छी है, नो डाउट, शक्ल प्यारी है, एक्ट्रेस अच्छी है, मुझे अच्छा लगा। ये छोटे मोटे जो होते हैं ना, ये सेट पे हो जाते हैं, टेंशन वाली बात नहीं। बात प्रोजेक्ट खत्म होता है, बात पीछे रह जाता है। आगे चलें, हमने तो पूछा ही नहीं सलाम। चलो खैर बताओ। वालेकुम सलाम।
अरे पगले रुलाएगा क्या? जो सवाल समझ में आया, सवाल समझ में आया कि अल्लाह के बाद की है, अल्लाह के अलावा आपका और किसने साथ? अल्लाह के बाद कि अल्लाह के बाद किसने साथ दिया? मेरे फादर ने बहुत साथ दिया मेरा। मेरे अबू मुझे स्पेशली लेके जाते थे डायरेक्टर से मिलवाने, फिर ऑडिशन, फिर और ये ज़रूर था। वालिद साहब हमेशा जैसे सपोर्टिंग कैरेक्टर की ऑफर हुई कि इस तरह कैरेक्टर जो दम नहीं है कैरेक्टर में, तो वो हमेशा मना करते थे ये नहीं करना, करना तो लीड पे ही करना, नहीं तो नहीं करो। तो वो हमेशा मेरे फादर मेरे साथ रहे हैं। जैसे भी हमारे एक ये प्रॉब्लम होती है, मुझे इस बात से वो है कि जब आप एक एक्टर के बेटे होते हैं या उसके रिश्तेदार होते हैं तो कंपैरिजन होता है फौरन। हाँ, तो आप इस कंपैरिजन किससे कभी गुजरे कि अच्छा जी वो एक बहुत एस्टैब्लिश्ड एक्टर था, आपने काम शुरू किया नया नया, तो वो, और हमने ऐसा बहुत जगहों पर देखा है कि फादर बहुत अच्छे एक्टर थे, अभी लड़का शुरू हुआ है तो उसको कंपेयर कर दिया बाप से। वो तो एक तो कुदरत की तरफ से भी आपके अंदर ना वो एक, जैसे मेरा फादर अब अक्सर ये होता है मैं जिसना बैठता हूँ या लेटता हूँ, शबाहत मुझे लगता है कि अबू भी इस बैठते थे यार, इस लेटते थे, कभी हंसते हुए भी एक स्टाइल आ जाता है, वो तो एक नेचुरल चीज है वो जीन्स में। लेकिन एक्टिंग में ये मेरे साथ प्लस पॉइंट ये रहा कि मैंने पॉजिटिव रोल किए हैं, ज्यादातर अंडर एक्टिंग की है मैंने, लाउड एक्टिंग नहीं की। फादर ने हमेशा लाउड एक्टिंग, एक नेगेटिव रोल था, वडेरा विलन ये, और मेरे ख्याल से उस वक्त की एक्टिंग अप्रोच भी मुख्तलिफ थी, मुख्तलिफ अप्रोच थी, अब डिफरेंट अप्रोच है, जाहिर सी बात है। फिर अब आप थोड़ी सी और देखें मिसाल लें, अगर बहुत मुश्किल होता है, जैसे हुमायूं का भाई है, बहुत अच्छा एक्टर है लेकिन उसको जितनी जगह मिलनी चाहिए वो शायद इसलिए नहीं मिल पा रही कि उसके अंदर से हुमायूं निकलता है कहीं ना कहीं। मैं बोलता हूँ उसको अक्सर कि भाई वोकल भी वैसे ही है, लेकिन उस बेचारी गलती नहीं है वो। अच्छा, और एक प्रेशर उन पे और डाल दिया जाता है कि आप तो अच्छा भाई, भाई का प्रोडक्शन हाउस है, आप बाहर भी करते हैं, अब तो बाहर भी करने लगा है। हाँ नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, वो बाहर करते हैं काम, लेकिन लोग हमारे यहाँ जो होते हैं वो कहते हैं अच्छा जी भाई के प्रोडक्शन हाउस से आप काम कर रहे हैं, ये जो बैठे ना ये उनमें से है ये वाले। अच्छा जी, और कोई सवाल? तो मेरे फादर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया माशाल्लाह। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम। दो जी जी पूछे जलीलो ख्वार हो रहे फिल्म में? नहीं नहीं, सुन तो लो, बता रही क्या कर रहे थे। देखिए पहली बात तो मैं अभी अपनी फिल्म की, मेरी फिल्म ईद पे कल रिलीज हुई है ARY से, और YouTube पे भी आ गई है फिल्म मेरी, तो मैं पूरी अपनी कहानी सुना के बेड़ा गर्क नहीं करूंगा। हाँ, वो क्यों किया, वो कैरेक्टर था, वो चक्कर, हाँ चक्कर इंशाल्लाह ईद पे, तो वो पूरी कहानी है ही मर्डर मिस्ट्री, तो मैंने अगर बता दिया तो बाकी जिन्होंने नहीं देखी, नहीं अब देखी तक, है, वो फंस जाएंगे, वो फंस जाएंगे। तो उसका जवाब कह रही है कि आप उसका जवाब में जब पार्ट टू में आऊंगा ना इनके शो में तब दूंगा। नहीं, वो ये कह रही है कि आपने अपने आपको पॉजिटिव उसमें क्यों नहीं रखा, नेगेटिव में क्यों रखा, हीरो क्यों नहीं बने आप? उसकी कहानी की डिमांड ऐसी, अच्छा कहानी की कैरेक्टर की डिमांड ऐसी थी, तो मतलब आप कहानी से सिंसियर थे? मैं सिंसियर था। आपने ये नहीं कहा मैं प्रोड्यूसर हूँ? अच्छा, जैसे आपने पहले ही डिसाइड कर लिया था पढ़ते कि ये मैं करूंगा, या आपने कहा बाद में यार ये तो मैं भी कर सकता हूँ? ये ऐसे ही हुआ है, पहले मैं नहीं कर रहा था। अच्छा, और कर रहा था, ठीक है, फिर मैं कहा यार मैं खुद ही करता हूँ, चार पैसे बचा लेता हूँ, मैं कर लेता हूँ, फिर मैंने खुद कर लिया। तो किसी से बात की थी आपने या पहले से सोचा था? नहीं, इस कैरेक्टर की किसी से बात नहीं की थी, इस कैरेक्टर दो तीन लोगों से बात की थी, जिनसे बात की वो चाह रहे थे वो एसएन वाला कैरेक्टर करना चाह रहे थे, सही है, तो वो मैं नहीं चाह रहा था उनको एसएन वाले कैरेक्टर देने के लिए, तो फिर मुझे खुद करना पड़ा वो। ठीक, दूसरा सवाल क्या था? पूरी नस्ल तक पहुंच गई लड़की, नस्ली सवाल है, सीधे सा नस्ली सवाल किया आपने। मैं उनका शौक होगा तो आएंगे, लेकिन मेरे बेटे को तो है, बल्कि मेरा अभी छोटा वाला है 7.5 साल का बालाज, मुझे कल पता चला है कि उसने यूट्यूब चैनल बनाया हुआ अपना, 7.5 साल का है, तो किसी और ना फेक नाम से ना, तो उसका एक दोस्त है बल्कि सवेरा जो है निदा की बहन, उसके बच्चों को पता था कि ये इसने बनाया हुआ है, ठीक है, उसे सवेरा को बताया, सवेरा पर तुम्हें पता है चैनल पर हमने मना किया होता उनको, उनको नहीं तो बुलाया उसको, तो पता लगा चैनल बनाया हुआ क्या कर रहे हैं उसमें वो, तो वो अभी वो कार्टून शार्टून टाइप चीज डाल रहे हैं, अपनी आवाज रिवील की है, हमें बताया कि मैंने शक्ल नहीं लेकर आया हूँ अपनी, मैंने अपने आप को नहीं लेकर आया हूँ, मैं डर गया बेचारा उसको, वो कार्टून कुछ कैरेक्टर्स हैं उसके साथ खेल रहा है वो, लेकिन 7.5 साल के बच्चे ने यूट्यूब चैनल बना के, और 3 महीने से बना हुआ है, 3 हफ्ते से बना हुआ है, लेकिन बच्चों को है शौक, बच्चे माशाल्लाह हमारे आप, मुझे लेकिन फिक्स नहीं है ये, अगर दिल है तो ठीक है, दिल है नहीं है तो बड़ा बेटा शायद आएगा इस फील्ड में, ठीक है। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम,
ये तो मुझे लग रहा है सनम सनम सईद बैठी। मुझे ऐसा लगा कि कह रही सर मुझे आपसे 500 चाहिए था सीरियसली, और मेरा हाथ जा रहा था जेब पे। मैंने कहा मेरा जेब पे हाथ जा रहा था ना, नहीं है मैं इनको बोलता हूँ दे। 1000 ना मांगे वो वैसी बच्चे की फीस के लिए आए, इसके लिए आया हूँ मैं यार। अभी बताया आपको। हाँ जी अच्छा था बात, वेरी गुड, आई थिंक इट इज द राइट अपॉर्चुनिटी। सही है, क्यों नहीं, अगर आपको ऑडिशन होगा अच्छी एक्ट्रेस होंगी तो आप रोक नहीं सकते। अच्छा एक चीज बड़ी अच्छी आ गई, नया रुझान बड़ा अच्छा है कि ऑडिशंस में जाने का मौका मिलता है, पहले तो ऑडिशंस नहीं होते थे, अब अच्छे ऑडिशंस भी होते हैं, आप जा सकते हैं। ऐसे ही है, मेरा फिरोज खान का पहला सीरियल था मेरा, जो मैंने फिरोज को भी एक लिहाज से इंट्रोड्यूस किया है ड्रामे में। सही, इससे पहले वो विजय था शायद, तो वो ऐसे ही आया था, मेरी एक असिस्टेंट थी वो मेरे पीछे पड़ी हुई थी कि इसको इस कैरेक्टर में चुप रहो, एक सीरियल किया था सजल जी, और सजल का हस्बैंड दिखाया था, तो इसको करें अच्छा एक्टर है ये, अच्छा होगा तो तुम एक्टिंग देखी है, तुम्हारा एक्टिंग नहीं देखी तब मैं भेज दो ऑडिशन के लिए। वो ऑडिशन के लिए आया, घर आया, 4-6 लाइनें बोली, मैं समझ गया ये कर लेगा, कर लेगा। तो उसी तरह वो आ गया। इसी तरह सुहाई अली अबड़ो का पहला सीरियल था 7 पर्दों में, वो भी इसी तरह कास्ट हुई थी, प्रॉपर ऑडिशन दिया था, और उस ऑडिशन में छोड़ दो बाकी 3 लोग और कौन थे, अब माशाल्लाह बड़े स्टार हो गए, ठीक है, लेकिन वो कैरेक्टर सुहाए का था, ठीक है। तो आप ऑडिशन दें, स्ट्रगल करें तो अच्छा काम मिलता है, और अगर अच्छे एक्टर हैं आप तो अब मिलता है, अब तो आराम से मिल जाता है अगर आप अच्छे एक्टर। मुझे लगता है रसाई और आसान हो गई है, आसान हो गई है, रेवेन्यूज भी तो ज्यादा हो गए। जी जी सर, हेलो हेलो, क्या हाल चाल, पानी की मोटर खोल दी तुमने। देखो मुझे अभी सच बताऊं तो मुझे अब कोई अच्छा फ्यूचर नजर नहीं आ रहा फिल्म इंडस्ट्री को, दुआ है अच्छा हो, क्योंकि हमारा शौक है फिल्म बनाना, हम भी ढीट हैं, बास तो आएंगे नहीं। तो फिर शायद शुरू कर देंगे, ये था कि पहले अगर 6-8 बनती थी अब 3-4 बनेगी फिल्म, कि मार्केट छोटी है फिल्म की, तो फ्यूचर थोड़ा सा है शेकी है थोड़ा, क्योंकि अगर अभी भी फ्यूचर खराब हुआ तो फिल्में सिर्फ लीक होंगी फिर। बड़ा मसला हो जाएगा। उम्मीद के दुआ करें, उम्मीद करें इंशाल्लाह अच्छा होगा, अच्छा हो। जी कहाँ है माइक, ये अरे अरे वाह वाह, बोल कौन रहे, ये अच्छा मासूम आदमी है। या प्लीज तुम 2 सवाल पूछना, मेरा दिल चाह, मैं जाऊंगा जाने नहीं दूंगा, एक ही को 2 दफा पूछ लो, आसान कर लो। बिल्कुल सही किया था, ये तुम्हें जवाब बैंड ने दिया, ये जो आवाज आखिर में निकाली है वो निकाल के दिखाओ। वैसे 2 सवाल थे दिल में, क्या आप निदा मैम के साथ खुश हैं, लेकिन इसे फौरन खिगाद घुमा दी, तुम्हारा करना चाहिए तुम्हारा, खुश की बोला ना तुमने, खुश है ना दिल में, नहीं नहीं तुम्हारा यू टर्न फील हुआ हमें। हाँ तुमने यू टर्न मारा, आखिरी गली में आके बढ़ो तुम वापस। चलो पहला सवाल तो ये हो गया सर, जवाब दूंगा, दूसरा सवाल पूछो, जल्दी से पूछो, पूछो कुछ भी पूछो, कुछ भी पूछ लो, 2+2 पूछ लो, पूछो लेकिन आप अपनी जिंदगी में खुश हैं? अरे ये खुद दुखी है लगता है। आप नाम क्या आपका यार, नाम क्या है, तुम तो बहुत परेशान हो यार, आपको नाम क्या है? लो आदि, आदि आदि हादी और आदि, मैं यार हमने अपना डुप्लीकेट वहां बिठाया, मैं देख ले, और मैं सबसे यही पूछता फिर है तुम खुश हो अपनी जिंदगी, और खुद लगता खुश नहीं है, खुद तुम खुश नहीं हो आदि। अच्छा मुझे मुझे आप ऐसी एक ऐसी जनरली बताएं, जिंदगी की खुशी होती क्या चीज है? ये लड़के ने अच्छी बात, ये मैं बता दूं इसका भी YouTube चैनल है। अच्छा 100% और 3 महीने से ही है, और Facebook पे 4-5 मुख्तलिफ नाम से अकाउंट भी है इसके, जो कमेंट्स करता है आगे। बाबा की परी। क्या बात, गुड यार, और कोई सवाल तो नहीं बचा? अरे बहुत सवाल है, अरे सवाल जवाब नहीं दिया इसका मैंने। मैं पहली बात है मैं बहुत खुश हूँ आदि, अलहमदुल्लाह का करम है, बहुत खुश हूँ मैं। और तू पहला सवाल था नादानी वाला, उसके सवाल किया था पूरा, क्या आप उनके साथ और ऐसा काम करना चाहेंगे या नहीं? हाँ मैं करना चाहूंगा, लेकिन बड़ा मुश्किल होती है एक साथ काम करना ना, मियाँ बीवी के हवाले से एक्टिंग साथ करना या थोड़ी सी मुश्किल होती है, लेकिन पॉसिबल हुआ तो करेंगे। तुमने बोला आदि तो बिल हुआ कटवाऊंगा। मेरे घर के बाहर एक बार रात को 2-2.5 बजे मैं आया,
तो वो एक खातून थी, तो वो आई, मैंने कहा सलाम, उन्होंने कहा सलाम अलैकुम, मैंने कहा वालेकुम सलाम, तो कैसे हैं आप? तो रात के 2:30 बज रहे, मैं थका हुआ आया हुआ शूट से, मैंने कहा ठीक हूँ, टीवी पे तो बड़े उछल रहे थे। मैंने कहा आप क्या चाह रही है, क्या मैं बोलूं मैं ठीक हूँ? तो ये एक्सपेक्टेशन गलत होती है, प्लीज ऐसे ना भाई, और कोई पर्सनल स्पेस भी कोई चीज होती है, कभी कोई खाना खा रहा है आपको, मैं मजे पर्सनल स्पेस, ये तो इतने मजे का सीन है कि मैं बाइक राइड पे गया था और मैं रात को 1:30 बजे घर में आया, तो वो हमारे घर का ऑटो डोर है, तो मैंने यूं दरवाजा खोला तो बाइक अंदर चली गई, तो वो ऑटो डोर बंद हो जाता खुद ही। जब ऑटो डोर बंद हुआ और मैं बाइक से उतरा, एक बंदा मेरे घर के अंदर खड़ा हुआ और मैं कह रहा हूँ जी, कह रहे जी। मुझे लगा मैं किसी और के घर में वो इतना कॉन्फिडेंट था, वो कहता सर तस्वीर लेनी है, मैंने कहा तुम्हें पता है मैं तुम्हें गोली मार दूंगा अभी, तो कहता है पहले तस्वीर तो ले ले। तो ये शुक्र उसके बाद गोली नहीं दी गई, निकालता मैं भी मार सकता हूँ। यासिर भाई बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत, अरे नहीं मुझे मजा आया काफी, आप दोनों का हम इतफाक से कभी इस तरह बैठे भी नहीं साथ ना, बिल्कुल नहीं बैठे, इसमें कुछ आपकी भी सुस्ती है कुछ हमारी भी, हाँ ऐसा है, हाँ कि हम एक दफा एक साहब ने कोशिश की थी हमें मिलाने की, लेकिन नहीं, हम नहीं बेटे की फीस जब होगी मैं मैसेज कर दूंगा, फीस आ रही है तो कब बुला रहे हो आप, बता दें कब देनी होती है। उसमें कुछ बातें रह गई थी, बच्चा डिग्री पास कर बाहर गेट के पास ही फेंकूंगा डिग्री, कैब फेंक रहे होते, यहाँ से फीस गई है तुम्हारी, बच्चे टीवी वन से ही पास होंगे इंशाल्लाह। नहीं लेकिन थैंक यू सो मच, आप बहुत मसरूफ होते हैं, आपने टाइम निकाला और आप हमें जब बुलाएंगे हम हाजिर हैं, बैठ के इस तरह बात करने में बहुत मजा आता है, मजा आता है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और अब आपने जाके दानिश भाई को बताना कि उन्होंने भी हमारे शो पे आना है, बिल्कुल मैं बताऊंगा, हमने कोशिश की थी हम दोनों को साथ बुला लें लेकिन आप टाइमिंग क्या, दोनों के इशू चल रहे हैं, उनको किसी की फीस नहीं देनी ना, तो हमने कहा पहले आपको बुला लें फिर उनके लिए, स्कूल से पहले आप स्कूल कॉल करें पहले किस बच्चे की फीस रहती है, नहीं जी बहुत उनका फोन ही ऐसे करेंगे क्या आप अपने बच्चे की फीस भरना चाहते हैं, टेली मार्केटर की तरह हम आपको देंगे आपके बच्चे की फीस, पहले आप बड़े परेशान रहा करते थे फिर हमने आपको फोन किया, आपकी मुश्किल आसान की, बस मैं चाहता जाने से पहले अगर आप कुछ कहना चाहें हमारे यंगस्टर्स को जो लोग आना चाहते हैं ज्वाइन करना चाहते हैं इस तरह से। नहीं नहीं अब अच्छी बात है कि तो काफी चैनल्स हैं और ये अब तो यूट्यूब पे मैं देखता हूँ, टिकटॉक पे देखता हूँ, टैलेंटेड है, टैलेंट है वहाँ पर इतना, तो अगर आप सीरियसली आना चाहते हैं तो मेहनत करें, थोड़ी सी भागदौड़ करें, ऑडिशन दें, मोबाइल पे मैसेज करने से कुछ नहीं होता, मेरे पास बंदा 50 मैसेज करता है दिन में, सर पर बताएं कब आऊं, कब ऑडिशन ले रहे हैं, अबे भाई तू ये तो आ जा, ये तुम ये ऑडिशन भेज दे, उसने सोचा हुआ है, हाँ भेज दे, भेजता भी नहीं है, तो जब बोले ऑडिशन समझ नहीं रहा होता क्या है, तभी डर के मारे नहीं भेज रहा, आजकल मेरी एक हर तस्वीर के नीचे एक कमेंट आ रहा है मैं कोई लालची नहीं हूँ, मुझे एक्टिंग करनी है और तस्वीर में घोड़ा लगाया हुआ है, घोड़ा। मैंने कहा यार तस्वीर तो दिखा दो अपनी, कह रहे तस्वीर अलाउ नहीं है, अलाउ नहीं है। तो ये अच्छा यार, तो लगे रहो मेहनत करो, जिसको एक्टिंग का शौक है, बल्कि मैं कहता हूँ आपको जिस फील्ड में जाना है उसमें आप मेहनत करें, उसका फल मिलना ही मिलना। थैंक यू उम्मीद करते हैं जी आपको हमारा शो पसंद आया होगा और अगर पसंद आया तो आप लोग अगले वीक भी ट्यून कीजिएगा, लेकिन जाने से पहले हम आपको मिलवाएंगे हमारे काशिफ भाई से जो कि एक बहुत ही उम्दा गाना बुरे तरीके से गाएंगे। जी काशिफ भाई, जी काशिफ भाई क्या सुना रहे सज्जाद भाई?